हाय एवरीवन, सो वेलकम बैक। आज एक न्यू लेक्चर हम लेके तुम्हारे सामने आ चुके हैं, वेक्टर स्पेसेस का बेसिस एंड डायमेंशन। किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की, बीएससी के स्टार्ट से यूजीसी नेट वहां तक पहुंच जाओ भैया, ये टॉपिक वेक्टर स्पेसेस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। पूरे वेक्टर स्पेस में सबसे ज्यादा, मतलब ऐसे कह सकते हो कि वेटेज के हिसाब से हमेशा फिक्स है, यहां से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। दूसरी चीज, टॉपिक इजी है, एक ही वीडियो में, सिंगल वीडियो में मैं तुम्हें कवर कराने की कोशिश करूंगा और उतने एग्जांपल करने वाले हैं जितने तुम्हें एक्सपेक्टेड नहीं होंगे। सच बोल रहा हूं, जितने तुम्हें एक्सपेक्टेड नहीं होंगे उससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं एक सिंगल वीडियो में। मैं ट्राई करूंगा, अगर तुम बेसिस डायमेंशन पहले नहीं पढ़ के आए हो लेकिन तुमने मेरी प्रीवियस जितनी भी 4-5 वीडियोस आ चुकी है वेक्टर स्पेसेस की वो देखी हुई है, सो वेलकम बैक टू दिस वीडियो। सो यू नो माय नेम इज राजन चोपड़ा, आज का टॉपिक है बेसिस एंड डायमेंशंस। अब बेसिस और डायमेंशन में ना सबसे पहली चीज हमारे को ये जानने की, बेसिस भैया क्या है, बेसिस व्हाट इज दिस बेसिस। वैसे तो मैंने एक ग्लिम्स लास्ट लेक्चर्स में ही दे दी थी लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बता देता हूं कि भैया बेसिस का ना सीधा सीधा इतना मतलब, आज तक तुमने वो एक्स वाई जेड एक्सिस तो पढ़ी होंगी है ना, जैसे यहां पे जेड एक्सिस, यहां वाई एक्सिस, यहां लेट मी सी, यहां एक्स एक्सिस, यहां वाई एक्सिस। अब तुमने ये भी पढ़ा होगा कि यहां की डायरेक्शन शो करने के लिए आई कैप, यहां के लिए जे कैप, यहां के लिए के कैप। अगर मेरे पास ये तीन वेक्टर है आई जे के और मैं फील्ड अगर मैं ले लू एक रियल नंबर की, भैया पूरा थ्री डायमेंशनल स्पेस बना सकता हूं मैं। मेरे को पूरे थ्री डायमेंशन में कोई भी पॉइंट बोल दो, रैंडम पॉइंट बोल दो, मैं बना दूंगा इससे, ऐसे लिख दूंगा रूट टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप माइनस फोर के कैप, ये शो करेगा एक्स डायरेक्शन, ये वाई डायरेक्शन, ये जेड डायरेक्शन। मतलब थ्री डायमेंशनल स्पेस को डिफाइन करने के लिए तीन मेरे को वेक्टर्स की जरूरत है, आई जे के, तीन वेक्टर्स में कुछ भी बना दूंगा। ये हो गए सेट ऑफ वेक्टर्स, सेट ऑफ वेक्टर्स, और ये मेरे पास क्या हो गया, ये मेरे पास क्या हो गया, ये जो नंबर एंड कोफिशिएंट, दिस इज कॉल्ड फील्ड, दिस इज कॉल्ड फील्ड। अब ये जो सेट ऑफ वेक्टर है, मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर्स दैट इज रिक्वायर्ड टू जनरेट द कंप्लीट स्पेस इज कॉल्ड बेसिस। अब मेरे को पता है जैसे मेरे साथ हुआ था शायद तुम्हारे साथ भी हो, भैया आप एक्साइटेड तो इतने हो लेकिन हमें समझ नहीं आ रही कि आपने क्या बोल दिया, बताते हैं। मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाह रहा हूं, मेरी जेब में है आई जे के बस, और साथ में तुम मेरे को फील्ड बता दो कौन सी चाहिए। मैंने कह दिया रियल फील्ड, मेरे को थ्री डायमेंशनल स्पेस को जनरेट करना मतलब पूरा थ्री डायमेंशनल स्पेस बनाना है, तो मेरे को रियल नंबर दे दो। अब रियल नंबर के मैं अलग अलग नंबर ले सकता हूं, ये मेरे पास ऑप्शन है, आई जे के का यूज करके पूरे स्पेस में कोई भी पॉइंट बना दूंगा। देखो तुम कहोगे भैया मजा नहीं आ रहा, आप एक पॉइंट बना के दिखाओ फिर आपको माने, तो यहां पर मैंने एक पॉइंट बना दिया कुछ ऐसे। वैसे जिन्होंने लास्ट लेक्चर देखे होंगे उनको समझ आ गया होगा कि मैं कहां जा रहा हूं। इस पॉइंट को मैं ऐसे लिख सकता हूं 2, 3, 4, ये एक्स का होता है, वाई का है, जेड का। लिखने का एक और भी तरीका है, इसको ऐसे भी लिख सकता था 2, 3, 4। लिखने का एक और भी तरीका है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। लिखने के और भी बहुत सारे तरीके हैं बट तुम समझ गए होंगे, मेरे ख्याल से समझ गए होंगे यार, इतना तो मतलब चल रहा अभी तो हमारा लिंक है ना, इतनी वाइब मैच हो रही होगी हमारी, वाइब मैच हो रही होगी हमारी, तो यहां तक तो कोई इशू नहीं। तो मतलब एक बात समझ आ रही भैया, आपने ज्योमेट्रिकल मीनिंग तो समझा दिया, अगर हम वेक्टर स्पेसेस में बात करें बेसिस की, उसकी भी डेफिनेशन होगी। अभी तक हमने बातें कर चुकी थी लीनियरली इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट क्या होता है, लास्ट लेक्चर में भी तुम्हारे भैया कराया था मैंने लीनियरली डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट। दूसरी चीज की तुम्हें जो जरूरत पड़ेगी आज के लेक्चर में, एक तो लीनियर इंडिपेंडेंट LDLI लास्ट में बताया था, LILD, और एक तुम्हें लीनियर कॉम्बिनेशन की जरूरत पड़ेगी कि भैया लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है, और लास्ट चीज एक जरूरत पड़ेगी लीनियर स्पैन। मतलब तुम सोच पा रहे हो लास्ट की दो वीडियोस की जरूरत पड़ेगी तुम्हें, अभी डायरेक्ट ये वीडियो पे आ जाओगे। अगर इसका बेसिक भी कहीं से पढ़ा हुआ, कॉलेज कोचिंग या कहीं से भी पढ़ा हुआ, तो भैया तुम्हारी समझ में आ जाएगी। फिर अगर LILD पता है क्या होता है, अगर तुम्हें पता है लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है, लीनियर स्पैन क्या होता है, दैट इज इट, फिर तो तुम्हारे लिए ये वीडियो, फिर तो मजा इतना आएगा कि कमाल हो जाएगा। बाकी अगर नहीं देखे, पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, बस सर्च करो मैथ स्तंभ, सर्च करो मैथ स्तंभ, ठीक है, और साथ में लिख दो मैथ स्तंभ, उल्टा स्पेलिंग लिखे, मैथ्स लिख के उल्टे स्पेलिंग, और साथ में बस तुम्हें इतना सा लिखना है वेक्टर स्पेसिस, दैट इज इट। प्लेलिस्ट तुम्हारे सामने बढ़ती जा रही है धीरे धीरे, पानी की बाल्टी की तरह, तो उसे देख भी लेना, ठीक है, अपने लिए नहीं बना रहा हूं मैं, क्या अगले साल की प्रैक्टिस हो जाएगी, मेरे लिए नहीं है तुम्हारे लिए वीडियो, तो इसे यूज कर लेना।
बहुत सारा भाषण हो गया, आते हैं बेसिस की डेफिनेशन। चल अब बेसिस क्या होती है, बेसिस हमारे पास, अगर मैंने अभी तो तुम्हें बता दिया बेसिस क्या होती है, ऐसे वेक्टर्स जो पूरे स्पेस को जनरेट कर दे, लेकिन वेक्टर भी हमें वो चाहिए भैया, वेक्टर भी हमें वो चाहिए जो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो। अगर तुम आई के ऐसे करते हो क्या, टू आई प्लस थ्री जे, कैसे लिखते हो, फाइव आई जे, ऐसा कुछ नहीं भैया, ऐसा तो आज तक नहीं लिखा हमने। क्यों? क्योंकि दिस एंड दिस इज इंडिपेंडेंट। भैया ये इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, इंडिपेंडेंट का मतलब जो हमने पहले सीख रखा है अपनी छोटी क्लासेस में, वो ये सीखा था आई डॉट जे क्या आना चाहिए, जीरो। समझ पा रहे हो? अब हमने लीनियरली इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट का क्या मतलब समझा था कि अगर मैं यहां पे हमारे पास थ्री डायमेंशन के, एक बार तुम्हें बेसिस बता दूं क्या होते, ऐसे होते वन जीरो जीरो। टू डायमेंशन की बताता हूं, वन की बात थ्री की बात में बताऊंगा, पहले टू डायमेंशन की बताता हूं, वन जीरो जीरो वन, दोनों इंडिपेंडेंट है, यहां लिख दो सी वन यहां लिख दो सी टू। मैंने तुम्हें बताया था लीनियरली इंडिपेंडेंट क्या होते, एल आई की कंडीशन होती है, अगर ऐसा कुछ लिखो तो सी वन और सी टू दोनों क्या आने चाहिए, इक्वल टू जीरो। एल डी की कंडीशन क्या होती है, लीनियरली डिपेंडेंट कब होते हैं, अगर वन ऑफ देम इज नॉन जीरो, एटलीस्ट वन ऑफ देम इज नॉन जीरो, एटलीस्ट वन ऑफ देम इज नॉन जीरो, कोई एक तो भैया नॉन जीरो होना ही चाहिए वरना दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, ये तो आपने लास्ट टाइम भी सिखा दिया था। हाँ, अब तुम करके देख लो इसे सॉल्व, याद रहेगा सी वन जीरो प्लस, सॉरी सी वन जीरो प्लस जीरो सी टू इज इक्वल टू जीरो जीरो, ये जीरो वो है मैट्रिक्स के फॉर्म में। ठीक है, दोनों को प्लस कर लो तो सी वन सी टू इक्वल टू जीरो जीरो, भैया यहां से सी वन भी जीरो सी टू भी जीरो, इसका मतलब ये क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो पहली कंडीशन तो यहां पे बेसिस की होनी चाहिए कि जो भी वेक्टर होंगे वो क्या होने चाहिए, आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट होने चाहिए। ये कंडीशन दिमाग में रखना वरना दिक्कत आ जाएगी, फिर ना कहना मुझे भैया सॉल्व नहीं हो रही चीजें। ठीक है, आगे चलते हैं। अब सबसे पहले डेफिनेशन क्या आएगी वो समझो, इफ पहले तो वेक्टर स्पेस डिफाइन करो, इफ वी एफ इज अ, वी होता है वेक्टर स्पेस, एफ होती फील्ड। ठीक है, वी एफ इज अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड, वेक्टर स्पेस ओवर एफ, एंड एक एक सेट ऑफ वेक्टर भी एज्यूम कर लेते, देन अ सेट ऑफ वेक्टर, एंड देन एंड रहने दो, देन अ सेट ऑफ वेक्टर बी, अ सेट ऑफ वेक्टर्स बी फॉर्म बेसिस, इफ बेसिस, ऐसे थोड़ी बेसिस फॉर्म कर देगा, अ बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस, बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस, वेक्टर स्पेस की बेसिस, मतलब ऐसे मेरे को वेक्टर चाहिए, पूरे वेक्टर स्पेस को लिख दू जिसमें मैं पूरा वेक्टर स्पेस, मतलब जैसे मैं अगर आर थ्री लिखूं तो भैया पूरे आर थ्री को, पूरा आर थ्री मतलब थ्री डायमेंशनल वेक्टर, थ्री डायमेंशनल स्पेस, थ्री डी, पूरे थ्री डी स्पेस को जनरेट कर दे, तो वो कौन से वेक्टर होते हैं, आई जे के। भैया मैट्रिक्स की फॉर्म में थ्री डी में क्या होते हैं, जैसे हमने फिजिक्स वगैरह में तो पढ़ा था आई जे के लिखते थे, मैट्रिक्स की फॉर्म में क्या होते हैं, मैं तुम्हें बताता हूं, मैट्रिक्स फॉर्म में ऐसे होते हैं जीरो वन जीरो जीरो, ये आई कैप है, अभी तुम्हें दिखाएंगे, ये जे कैप है जीरो वन जीरो, के कैप है जीरो जीरो वन। अब तुम खुद सोचो भैया, ये अप्लाइड वाला टीचर तुम्हें पढ़ा रहा है, ये जो मास्टर तुम्हारे सामने पढ़ा रहे ना, मास्टर तो नहीं कहना चाहिए, ये जो भैया तुम्हें पढ़ा रहे हैं, मास्टर का अभी भी सीख ही रहे हम भी चीजें, हर दिन सीखते हैं, तो ये जो भैया तुम्हारे सामने पढ़ा रहे हैं ये अप्लाइड के, तो प्योर मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो घुसाएंगे अप्लाइड मैथमेटिक्स अपनी, तो इसीलिए मैं प्योर की तरह पढ़ाने ही वाला, वो थ्योरम और प्रूफ थ्योरम प्रूफ थ्योरम हमेशा यही चलता रहता है, हम नहीं जाएंगे उसमें। अ सेट ऑफ वेक्टर बी फॉर्म अ बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस बी ऑफ एफ, इफ पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए, सबसे पहली कंडीशन बी इज एलाइड, बी इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, पहली कंडीशन होनी चाहिए लीनियरली इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। अभी ढेर एग्जांपल कराऊंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बी क्या होना चाहिए, लीनियरली इंडिपेंडेंट, मतलब इसमें अगर बी में वेक्टर है कुछ ऐसे अल्फा वन कोमा अल्फा टू अप टू सोन अल्फा एन, और मैं अगर इसको इसका लीनियर कॉम्बिनेशन लिखूं, मतलब सी वन अल्फा वन प्लस सी टू अल्फा टू अप टू सोन सी एन अल्फा एन इक्वल टू जीरो, तो ये सारे के सारे कोफिशियंट क्या होने चाहिए, सारे के सारे कोफिशियंट होने चाहिए जीरो, कोई एक भी नॉन जीरो आ गया तो बेसिस नहीं बनाएगी, अगर एक सिंगल भी नॉन जीरो आ गया तो बेसिस नहीं बनाएगा, ये ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, पहला तो है बीस एल आई और दूसरा है बीस पैंस बी, बीस पैंस, इसका मतलब क्या है, बीस पैन बी का मतलब
यही वेक्टर को यूज करके, आई जे के कैप को यूज करके मैं पूरा का पूरा डायमेंशन, थ्री डायमेंशन को स्पेस को जनरेट कर दूं। क्या भैया हमेशा आप बोल रहे हो थ्री डायमेंशन स्पेस, थ्री डायमेंशन स्पेस, क्या वही होगा हमारे पास एग्जाम्पल? नहीं, आज तुम्हें मैं बताऊं, आज तुम्हें तो इतने ढेर एग्जाम्पल कराऊंगा कि तुम्हारे दिमाग से उड़ ही जाएगा कि सिर्फ एक ही स्पेस होता है थ्री डायमेंशन स्पेस। और भी बहुत सारी चीजें हैं, वेक्टर स्पेस पढ़ रहे, जनरल चीजें पढ़ेंगे। ऐसे भी लिख सकते हो लीनियर स्पैन ऑफ बी इज इक्वल टू बी, लीनियर स्पैन लास्ट वीडियो में अच्छी तरह समझा चुका हूं। लीनियर स्पैन ऑफ बी का मतलब होता है वेक्टर स्पेस बी जनरेटेड बाय बी, जनरेटेड बाय बी, जनरेटेड मतलब आईजेके का यूज। फिर मैं आईजेके पे बार बार घूम के आई जा रहा हूं, बट समझ उसी से ही आता है। मैंने कहा ना आई एम मोर ऑफ अ अप्लाइड पर्सन, तो इसलिए आईजेके के आपको यूज करके पूरा स्पेस डिफाइन कर दोगे। अरे स्पेस सिर्फ R3 थोड़ी हो सकता है, अरे मैट्रिक स्पेस हो सकता है M क्रॉस N की, और N टपल स्पेस हो सकता है, पॉलिनोमियल स्पेस हो सकता है, बहुत सारे स्पेस हो सकते हैं, वो सारे डिस्कस करेंगे। भैया फिर ये R3 का ही क्यों एग्जांपल लेते जा रहे हो? क्योंकि इसको विजुअलाइज करना दिमाग में थोड़ा सा आसान, समझना आसान, ठीक है, समझ गए। दैट इज एवरी वेक्टर ऑफ वी इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ, ऐसे लिख लो, दैट इज तुम कोई भी v का, कोई भी रैंडम v का एक एलिमेंट उठाना, दैट कैन बी रिटन एज दी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बी, लिख लो, दैट इज एवरी एलिमेंट ऑफ v कैन बी रिटन जैसे अभी मैंने बताया ना, R3 में थ्री डायमेंशनल स्पेस में कोई भी पॉइंट आई जे के कैप की टर्म्स में लिख पाऊंगा, तो वो जो आई जे के कैप क्या हो गए, इनकी बेसिस हो गए। इसकी टर्म्स में मैं किसी भी वेक्टर को लिख दूंगा, तो मैं वही लिखने वाला हूं, दैट इज एवरी एलिमेंट ऑफ वी कैन बी रिटन एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स ऑफ बी, वेक्टर्स ऑफ बी, शाबाश, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर ऑफ बी, इंपॉर्टेंट थी ये चीज। मतलब v का कोई भी एक एलिमेंट उठाओ, मैं उसको b के लीनियर कॉम्बिनेशन से डिफाइन कर पाऊंगा, ठीक है। अगर b में हमारे पास मान लो वेक्टर कुछ ऐसे हैं, a कैप, मान लो ऐसे कुछ वेक्टर हैं, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, मेरे को v में से एक एलिमेंट उठाना, मान लो मैंने v में से एक एलिमेंट उठाया बीटा, बीटा बिलोंग्स टू v, तो मैं बीटा को कुछ ऐसे लिख पाऊंगा, हमेशा 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 अगर ये बेसिस है, तो अगर ये बेसिस है, बेसिस कौन होंगी जो इन दोनों को सेटिस्फाई करेंगी, ये बेसिस है, मैंने बोला तुम्हें बेसिस है, विश्वास है ना, बेसिस है, तो बीटा को मैं ऐसे लिख पाऊंगा C1 alpha 1 plus C2 alpha 2 plus C3 alpha 3। अगर यहां पर कोई और भी होता तो मैं उसको भी लिख पाता, बस यहां पर कोफिशियंट चेंज हो जाते। तो कोई भी एलिमेंट दैट बिलोंग्स टू वी, मैं उसको लिख सकता हूं एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ alpha 1 alpha 2 alpha 3। अब आ रहा समझ भैया, अगर ये जीरो ही होता तो, अगर ये जीरो, ये जीरो कब हो सकता है, ओनली इफ, ये जीरो नहीं हो सकता यार, alpha 1 alpha 2 alpha 3 नहीं जीरो है, ये जीरो कब हो सकता है, when C1 equal to C2 equal to C3 equal to 0, when these are equal to 0, क्यों भैया, तुम्हारे सामने रीजन, लीनियरली इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट की कंडीशन ये होती है, इंडिविजुअली जीरो होंगे तो जीरो होगा, नहीं होंगे तो नहीं होगा, बस बात खत्म। आगे लिखो एक नोट, बढ़िया सा एक बढ़िया सा नोट लिखेंगे, यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ, लिख लिया, चलो एक नोट लिख लेते हैं, डेफिनेशन को मैं अभी रब नहीं करने वाला हूं, एक साथ ही रब करेंगे फिर, ठीक है, चलो आ जाओ नोट। अब नोट ये सिंपल सा है कि ये जो भैया ये हमने अभी जो बेसिस का सेट बनाया, दिस इज द लार्जेस्ट सेट ऑफ वैक्टर्स, लार्जेस्ट इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वैक्टर, तो लिख लो बेसिस ऑफ, ऐसे लिख लो, बेसिस ऑफ अ वैक्टर स्पेस, बेसिस ऑफ अ वेक्टर स्पेस इज द लार्जेस्ट सेट ऑफ इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, लार्जेस्ट सेट ऑफ इंडिपेंडेंट वेक्टर्स फ्रॉम वेक्टर स्पेस, फ्रॉम वेक्टर स्पेस, इससे बड़ा कोई सेट नहीं बना पाओगे तुम, इंडिपेंडेंट हो जो, इससे छोटे ही होंगे सारे के सारे, तो इस पर स्टार लगा लेना, पता चले MSQ में, मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन कहीं तुम्हारे एग्जाम में आते हो और उसमें ये क्वेश्चन दे दें, इसीलिए ध्यान रखो इस चीज का, ये दे सकते हैं क्वेश्चन, बेसिस जो होती है लार्जेस्ट सेट होता है, लार्जेस्ट सेट लीनियर इंडिपेंडेंट का, भैया इससे बड़े क्यों नहीं हो सकते, भैया इससे बड़े एग्जिस्ट करेंगे तो वो भी बेसिस बना देंगे, तो वो भी बेसिस बना देंगे, ठीक है। अभी मैं अभी कराऊंगा एक चीज इस पे, प्रूफ भी प्रूफ तो नहीं, लेकिन अभी इस पे एक और चीज भी बताने वाला, फिलहाल के लिए यहां तक तो देख लो,
दैट इज इट कैन नॉट दैट इज इट कैन नॉट बी कंटेन्ड कंटेन्ड इन एनी सेट ऑफ इट कैन नॉट बी प्रॉपरली कंटेन्ड इट कैन नॉट बी प्रॉपरली कंटेन्ड इन एनी सेट ऑफ इंडिपेंडेंट वेक्टर्स एनी सेट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स ऑफ सेम वेक्टर स्पेस। भैया ये आपने क्या लिखवा दिया लास्ट में, तो इसका भी मतलब बताते हैं। मैं तुम्हें कहना चाह रहा हूं कि ऐसा कोई भी सेट नहीं एग्जिस्ट करेगा जिसमें ये कंटेंड हो, बाकी इसमें कंटेंड हो सकते हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट। याद रखना, बार बार मैं तुम्हें बोलता जा रहा हूं, ये इसको अंडरलाइन कर लो, इसको अंडरलाइन कर लो। कौन से सेट ऑफ वेक्टर की बात करो, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। सबसे बड़ा कौन सा होगा, बेसिस। क्या बेसिस वाला सेट किसी में कंटेंट हो सकता है, मतलब ही नहीं। क्या बाकी हो सकते हैं भैया इसमें, बिल्कुल होंगे। मेरे ख्याल से बात तुम समझ गए होंगे ना। चलो इसको थोड़ा सा रब कर लेते हैं, और मेरे ख्याल से तुमने तो नोट कर लिया हो, नहीं क्या तो वीडियो को बैक कर लेना और नोट कर लेना अच्छे से, नोट्स खुद से बनाना। मैं तुम्हें हमेशा यही सलाह दूंगा कि नोट्स खुद से बनाना, किसी के दिए हुए नोट्स ना लेना, ठीक है। चलो आगे लिखते हैं फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। थोड़ी सी डेफिनेशन करते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस पे आएंगे। फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, इसको FDVS भी लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। और फाइनाइटली जनरेटेड जनरेटेड वेक्टर स्पेस, इसको ऐसे भी लिखते हैं FGVS। तो कभी शॉर्ट फॉर्म दिखे तो ऐसे घबरा मत जाना, ठीक है। अ वेक्टर स्पेस V of F इज सेड टू बी FDVS। अ वेक्टर स्पेस V of F, V वेक्टर स्पेस F फील्ड इज सेड टू बी FDVS, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, इफ देयर एग्जिस्ट अ फाइनाइट, इफ देयर एग्जिस्ट, ये देयर एग्जिस्ट का सिंबल होता है, इफ देयर एग्जिस्ट अ फाइनाइट सेट ऑफ वेक्टर, इफ देयर एग्जिस्ट अ फाइनाइट फाइनाइट सेट ऑफ वेक्टर्स, फाइनाइट सेट ऑफ वेक्टर्स एस। यहां मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर मान लो S एग्जिस्ट, क्या बेसिस भैया हमेशा हर किसी वेक्टर स्पेस के एग्जिस्ट करेगी, जरूरी नहीं है, बिल्कुल जरूरी नहीं। मतलब क्या हमेशा फाइनाइट ही एलिमेंट्स होंगे बेसिस के अंदर, ऐसा जरूरी नहीं। मैं अपनी स्टेटमेंट को थोड़ा करेक्ट कर लेता हूं। क्या भैया बेसिस में हमेशा फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही कंटेन्ड होंगे, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इनफाइनाइट का आज ही कराऊंगा, दूर क्या जाना, आज इसी वीडियो में होगा। वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी क्योंकि काफी दिन से मैं इसको प्रिपेयर कर रहा था। मैं नहीं चाहता था कि ये वीडियो मैं ऐसे ही बना दूं, मैं पूरी प्रिपेयर करके हर बुक को ढूंढ के जितना भी मटेरियल निकला बना दिया, डाल दिया है इस वीडियो में, इस वीडियो के नोट्स में, तो अच्छे से नोट करना। एस जो होगा उसमें फाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर्स भी हो सकते हैं, अल्फा बीटा अल्फा वन अल्फा टू, ये फाइनाइट भी हो सकते हैं अल्फा एन तक, और ये इनफाइनाइट भी हो सकते हैं। अगर फाइनाइट वेक्टर्स होंगे इसके बीच में तो फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस या फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस। अब ये डायमेंशन क्या होता है अभी बताएंगे दो मिनट में, बस पहले ये समझ लो कि अगर फाइनाइट वेक्टर्स होंगे बेसिस में तो वो होगा फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, अगर इनफाइनाइट होंगे तो इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। अपने सिलेबस में भैया अभी तक मैं जितना करा रहा हूं, अभी तक मैं जितना वेक्टर स्पेसिस में करा रहा हूं, उसमें इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस नहीं आने वाला, ठीक है। इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस फिर हम चले जाएंगे हिल्बर्ट स्पेस में। अब ये भैया हिल्बर्ट स्पेस क्या होता है, मैं 50 बार तुम्हें इसके बारे में बता चुका हूं क्योंकि मेरे को फिजिक्स पढ़ने का बहुत ज्यादा शौक है, बहुत मतलब बहुत 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 अप्लाइड कहूं ना, तो अप्लाइड कहूं मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मेरे को अप्लाइड मैथमेटिक्स बहुत ज्यादा ऐसा होता है ना, कनेक्शन से बन जाता है, क्योंकि थोड़ा फिजिक्स पढ़ने में भी इंटरेस्ट है, उसमें यूज होती रहती है। तो ये हिल्बर्ट स्पेस में आ जाता है अगर हम इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस की बात करें। इनफाइनाइट डायमेंशनल, इसको IDVS लिख सकते हैं, इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस हमारे पास, हम पढ़ेंगे इस सिलेबस में, ठीक है। तो फिर हम आ जाएंगे हिल्बर्ट स्पेस में, जो कि अभी दूर दूर तक हम नहीं करने वाले, इसको तो करने ही नहीं वाले, एग्जाम्पल जरूर लेंगे, ये चीज ध्यान रखना। सो एस सेट ऑफ वेक्टर फ्रॉम वी सच दैट लीनियर स्पैन ऑफ एस इज इक्वल टू वी, ठीक है। मतलब ये कहने का मतलब ये है S generate V, मतलब वो S में वो होंगे अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री अप टू सो ऑन अल्फा एन,
फाइनाइट होंगे, बस ये याद रखना, इनफाइनाइट नहीं होंगे। और ये सारे के सारे किसको जनरेट कर देंगे, वी को जनरेट कर देंगे। जनरेट करने का मतलब सर, मतलब ये सारे के सारे क्या होंगे, पहली बात ये सारे के सारे होंगे एल आई, लीनियरली इंडिपेंडेंट। दूसरी बात, वी का कोई भी एलिमेंट ले लू, फॉर एग्जाम्पल बीटा बिलोंग्स टू वी, तो बीटा को मैं लिख सकता हूं एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा वन अल्फा टू अप टू सो ऑन सी एन अल्फा एन, हमेशा 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 हमेशा, अगर ये बेसिस है तो ठीक है। चलो तो हमें पता लग गया फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस क्या होता है और एफ डी वी एस का फुल फॉर्म वगैरह वगैरह सब हमने पता कर लिया। आगे चले, कोई दिक्कत हो यहां तक तो ध्यान रखना, बस ये याद रख लो, इफ इफ वेक्टर स्पेस इज नॉट एफ डी वी एस तो उसे हम क्या कहेंगे, इनफाइनाइट डायमेंशनल, देन वेक्टर स्पेस इज इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। छोटी सी डेफिनेशन ऐड कर लो, फिर तुम कहोगे भैया ने सिखाया नहीं था। नेक्स्ट नेक्स्ट लिख लो, मैं थ्योरम का प्रूफ तो नहीं कराने वाला हूं, बस इतना लिख लो, एग्जिस्टेंस ऑफ बेसिस थ्योरम। इसके प्रूफ की हमें जरूरत नहीं, और मैंने तुम्हें से वादा किया है जितने इंपॉर्टेंट प्रूफ्स होंगे उनको मैं एक वीडियो में अलग बना दूंगा, लेकिन अभी नहीं ठीक है। जितने इंपॉर्टेंट प्रूफ्स होंगे उनके लिए एक अलग वीडियो बना देंगे जिसमें सारे प्रूफ एक ही वीडियो में करा दूंगा वेक्टर स्पेसिस के, तो घबराना नहीं भाई, है ना, तुम्हारा करा देंगे तुम्हें चीजें, और कहा है तो जरूर करा देंगे। देयर एग्जिस्ट अ बेसिस ऑफ देयर, ध्यान से लिख लेना, देयर एग्जिस्ट अ बेसिस ऑफ एवरी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, ध्यान से लिख लेना इसे, ध्यान से लिख लेना, लिख लिया। चलो मैं यहां पे क्या कहना चाह रहा हूं, कोई भी इसको स्टेटमेंट को तो बहुत अच्छी तरह लिख लो, कोई भी अगर फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस होगा तो उसकी बेसिस हमेशा एग्जिस्ट करती है, ठीक है। फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस का बता दिया, अगर ऐसा वेक्टर स्पेस जिसमें एक एस एग्जिस्ट करे, जो पूरा का पूरा एस किसको जनरेट कर दे, वी को, तो उसकी बेसिस हमेशा पक्का एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। स्पैन करने का मतलब होता है, स्पैन करने का मतलब उसको जनरेट करना, ठीक है। स्पैन का मतलब होता है जनरेट करना, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। जनरेट का मतलब क्या होता है, आई जे के कैप दो मैं पूरा स्पेस बना दूंगा, किसने सोची होगी यार, है ना, मतलब आई जे के कैप दो पूरा स्पेस बना दूंगा, कुछ भी ले आओ मेरे पास, चलो ठीक है। अगली थ्योरम एक और लिख लो, एक और थ्योरम लिख लो, ध्यान से लिखना इसको, ये भी इंपॉर्टेंट है हमारे पास। एवरी बेसिस ऑफ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, मतलब पहले तो लिखो इसके साथ, बेसिस इज नॉट यूनिक, भैया ये इस पे लिख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट। एक डायमेंशनल तुमने आज तक सुना होगा आई जे के कैप, क्या यही यूनिट वेक्टर, क्या यही होते हैं सिर्फ बेसिस, नहीं, ये तो वो हो गया ना जो कॉमनली यूज है। अभी बेसिस कितनी भी हो सर, इनफाइनाइट बेसिस होती है। अब तुमने पढ़ा होगा आई जे के कैप आर यूनिट वेक्टर्स, याद है कुछ, यूनिट वेक्टर्स है ना, क्या यही सिर्फ यूनिट वेक्टर होते, नहीं भैया, हम तो बहुत सारे यूनिट वेक्टर बना लेंगे, हम बना लेंगे आर कैप, आर कैप बनाने के लिए आर का वेक्टर अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड, हमने बचपन में पढ़ी हुई है 11th 12th में ये चीजें, जिसने नहीं पढ़ी उनको मैंने आज बता दिया। वेक्टर के पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड इनटू में डायरेक्शन, डायरेक्शन ये टोपी से रिप्रेजेंट करते हैं, हमने टोपी इसके ऊपर लगा दी, अगर मुझे टोपी चाहिए मतलब यूनिट वेक्टर चाहिए, तो वेक्टर अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड, मैं तो कितने बना लूंगा मैं यूनिट वेक्टर, भैया इनफाइनेटली मैनी, तो मतलब इनफाइनेटली मैनी बेसिस हो सकती है। हाँ एक चीज पक्का, इनफाइनाइटली मैनी बेसिस तो हो सकती है, भाई कंफ्यूज मत होना, इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस अलग चीज है, इनफाइनाइटली मैनी बेसिस अलग चीज है, क्यों नहीं समझ पा रहे, बेसिस के अंदर जो एलिमेंट होंगे उनको देखते हैं, बेसिस के अंदर फाइनाइट एलिमेंट है या इनफाइनाइट एलिमेंट है उससे डिसाइड होगा आईडीवीएस है या फिर एफडीवीएस है, फाइनाइट डायमेंशनल है या इनफाइनाइट डायमेंशनल है, कितनी बेसिस एग्जिस्ट कर रही है उसके बेस पर कुछ नहीं होता, इनफाइनाइटली मैनी एग्जिस्ट करती है बेसिस, बेसिस बहुत सारी हो सकती है, लेकिन हां एक बात पक्की है, बेसिस ऑफ अ वेक्टर स्पेस इज नॉट यूनिक, इज नॉट यूनिक, एक बात लेकिन मैं पक्की श्योरिटी से कह सकता हूं, एक बात पक्का कह सकते हैं जो कि है हमारे पास नेक्स्ट चीज, इनवेरियंस ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बेसिस, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बेसिस ऑफ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, क्योंकि अगली जो चीज आने वाली वो डायमेंशन की डेफिनेशन है, तो जल्दी जल्दी लिख लो, इसको ऐसे भी कह सकते हैं डायमेंशन ऑफ
फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। अब डेफिनेशन आएगी डायमेंशन की, तो फटाफट इसको नोट कर लो, ऊपर का रब कर दे। वैसे तो कर ही दिए, पूछने की जरूरत थी क्या थी ना भैया। चलो अब ध्यान से सुनना, एवरी बेसिस, मैंने क्या कहा कितनी बेसिस हो सकती है भैया, इनफाइनाइट डायमेंशन कितनी भी हो सकती है, लेकिन एवरी बेसिस ऑफ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस कंटेन सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इतना ध्यान रखना बस। बेसिस कितनी हो सकती है भैया, बहुत सारी, इनफाइनाइटली मेनी बेसिस हो सकती है, लेकिन हर बेसिस के अंदर सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स एग्जिस्ट करेंगे, ये ध्यान रखना। अगर वो बेसिस बना रही है तो भैया फिर घुमा फिरा के भाई एक ही बात बोल रहा हूं, मतलब बेसिस हमारे पास क्या होती है, Li होनी चाहिए, दूसरा L of B मतलब लीनियर स्पैन ऑफ B किसके इक्वल होना चाहिए, B के इक्वल होना चाहिए, तो पता लग गया, ये तो पता लग गया। लेकिन 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 एक चीज ध्यान रखना, कितनी भी तुम बेसिस मेरे सामने लेके आ रहे हो, कितनी भी बेसिस, उसके अंदर एलिमेंट्स हमेशा सेम होंगे। अगर वो फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस की बेसिस है तो, इनफाइनाइट की है तो उसमें तो एलिमेंट ही इनफाइनाइट होते हैं, ध्यान रखना। बात समझ आ गई यहां तक, तो नेक्स्ट डेफिनेशन पे चलते हैं जिसका नाम, थोड़ी सी डेफिनेशन रहेगी उसके बाद क्वेश्चन है, ठीक है, घबराना नहीं। नेक्स्ट जो डेफिनेशन अपने पास बचती है वो हमारे पास है डायमेंशन ऑफ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, ठीक है, इसको हम डिनोट फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस V ऑफ F, इसको ध्यान से लिख लो। तो ये हमारी फ्लक्चुएट करती हुई लाइट, तो डायमेंशन हमारे पास क्या होंगे, नंबर ऑफ वेक्टर्स इन बेसिस, दैट इज इट, इतनी छोटी सी डेफिनेशन, नंबर ऑफ वेक्टर्स इन बेसिस इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस, दैट इज इट। तुम फिर घूम फिर के फिर मैं वहीं आ जाऊंगा, आई जे के, क्या सिर्फ यही बेसिस एग्जिस्ट करेंगे, नहीं भैया और भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, मैं खुद से भी अपने यूनिट वेक्टर बना सकता था, जिनका यूनिट वेक्टर होते क्या है यार, पहले तो ये बताओ, जिनका मैग्नीट्यूड वन होता है, याद है, तो मैग्नीट्यूड वन वाले मैं बहुत सारे बना सकता हूं, मैंने बताया तो बनाने का मेथड, आर कैप इज इक्वल टू दिस, बता भी देंगे किसी दिन तुम्हें कि कैसे बनाते हैं यूनिट वेक्टर, वैसे तो पता ही होगा है ना। एक ले लें एग्जाम्पल, जैसे आर वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप, मैंने ij का ही यूज कर लिया, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो कितना आएगा, रूट में आता मैग्नीट्यूड निकालना, 4 + 9 विच इज रूट में 13। लो मैंने बना दिया, आज मैंने खुद से राजंस यूनिट वेक्टर तुम्हारे सामने बना दिया, अगर तुम्हें नहीं विश्वास है तो इसका मैग्नीट्यूड दोबारा लेके देख लो, 1 ही आएगा। लो बना दिया मैंने, ऐसे तुम कितने बना सकते हो, तुम भी बहुत सारे बना सकते हो, तो इनफाइनाइटली मैनी एग्जिस्ट करेंगे। अब जो मैं बताना चाहता हूं वो सुनो, इसके अंदर कितने एग्जिस्ट कर रहे हैं आई जे के, 3, तो 3 dimensional वेक्टर स्पेस ही तो होता ही है, तो बस याद रखो जितने बेसिस के अंदर नंबर ऑफ वेक्टर्स होंगे वही क्या रिप्रेजेंट करेगा, डायमेंशन। बस इतनी छोटी सी डेफिनेशन हमारे पास बस, और डायमेंशन को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, डायमेंशन को रिप्रेजेंट करेंगे डायमेंशन ऑफ वी इज इक्वल टू दिस, दैट इज इट। तो यहां तक नोट कर लो अच्छे से, कोई भी दिक्कत लग रही है तो उसको नोट डाउन कर लो, और नोट डाउन कर लो पहले तो, फिर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो अगर कोई भी दिक्कत आए यहां तक तो, मेरे ख्याल से इसमें डेफिनेशंस में तो नहीं आने वाली है ना। चलो आगे चलते हैं, हमें सारी बातें समझ आ गई हैं, बेसिस क्या होता है, डायमेंशन क्या होता है, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस क्या होता है, फाइनाइट डायमेंशनल होता है जिसमें फाइनाइटली मैनी वेक्टर्स एग्जिस्ट करें बेसिस के अंदर, इनफाइनाइटली मैनी करते हैं तो उसको इनफाइनाइट मैनी उसको कहते हैं इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, ठीक है। अब लास्ट डेफिनेशन जो हमारे पास आज की है उसके बाद क्वेश्चन सी क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, बस इसके बाद कोई डेफिनेशन नहीं है, वादा है। अब इसकी खुद की बनाई हुई डेफिनेशन लिखवाऊंगा, वरना बुक में से जो डेफिनेशन लिखोगे बहुत 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 से ज्यादा अजीब। इफ वी राइट सेट वी, अगर मैं बुक की डेफिनेशन लिखाऊंगा बहुत मुश्किल है, इंट्रोड्यूसिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ
अभी मैं समझाता हूं, पहले लिख लेते असेंशियल असेंशियल आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स, आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स ओवर एफ, ओवर एफ। तो ऐसे हंसते रहता हूं, तो ओवर एफ देन एक्सप्रेस जनरल वेक्टर ऑफ वी, देन एक्सप्रेस जनरल वेक्टर ऑफ वी। एक बार लिख लेते हैं डेफिनेशन, उसके बाद आराम से समझाता हूं मैं। एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स ऑफ वी, ऑफ वेक्टर ऑफ वी ओवर एफ, बताते हैं हम। देन द वेक्टर इन सच लीनियर कॉम्बिनेशन इज, देन द वेक्टर्स इन सच लीनियर कॉम्बिनेशन इज स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ वी ऑफ एफ, इज स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ वी ऑफ एफ। एंड नंबर ऑफ एसेंशियल आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स, एंड नंबर ऑफ एसेंशियल number of essential arbitrary constants of v over f is dimension of v, is dimension of v, that is it। ये definition बना के लिखे ताकि तुम्हें समझ आ जाए, वरना book की definition standard basis की तुम google पे भी search करोगे तो बहुत बेकार सी definition आने वाली है। तो और डेफिनेशन आने ही नहीं वाली पहली बात, तो तुम करके देख लेना चाहे तो, अगर नहीं विश्वास हो तो। इफ वी राइट सेट वी द आर्बिट्ररी बाय इंट्रोड्यूसिंग आर्बिट्ररी मैक्सिमम नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स ओवर एफ, देन एक्सप्रेस जनरल वेक्टर वी एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वी ओवर एफ, देन द वेक्टर इन सच लीनियर कॉम्बिनेशन, वो मेरे को अंडरलाइन करने का थोड़ा शौक सा है वरना मैं भी समझा दिया, देन द नंबर ऑफ आर्बिट्ररी, एक्चुअल मैं क्या बताना चाह रहा हूं जो अभी भी मैंने तुम्हें बताया, एक ऐसे एक वेक्टर लो उसके अंदर लिखो अल्फा वन अल्फा टू, मैक्सिमम नंबर जितने भी तुम्हें जरूरत है तुम डाल दो इसमें, जितने भी तुम्हें डालने इसके अंदर वेक्टर डाल दो। लीनियरली इंडिपेंडेंट होने चाहिए, स्पैन करने चाहिए, दो कंडीशन तभी बेसिस बनाएंगे, ठीक है, तभी बेसिस बनाएंगे। अब ये जो मैंने वैक्टर्स बना दी, ये जो मैंने वैक्टर बना दिए, इसको इन वैक्टर का यूज करके मैं कोई भी एक एलिमेंट लूंगा ए बिलोंग्स टू वी वेक्टर स्पेस, तो इस ए को मैं लिख सकता हूं सी वन एल्फा वन प्लस सी टू एल्फा टू अप टू सोन सी एन एल्फा वन, तब ये जो एल्फा वन एल्फा टू एल्फा थ्री होंगे ये क्या होंगे, दीज विल बी कॉल्ड स्टैंडर्ड बेसिस, दीज विल बी कॉल्ड स्टैंडर्ड बेसिस, ठीक है। अगर मैं इनको किसी भी एलिमेंट को लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकता हूं तब मैं इसे क्या कहूंगा, स्टैंडर्ड बेसिस। इसका याद रहेगा, बस छोटी सी डेफिनेशन है और सी समझ जाएंगे तो अच्छी बात, कोई दिक्कत तो नहीं हुई यहां तक, सिंपल सी इतनी ही डेफिनेशन थी। एस के एलिमेंट्स लो, कोई भी एक एलिमेंट एस में, एस हमारे पास एक बेसिस बनाएगा, उसमें जितने भी मैक्सिमम लेने हैं तो मैं ले लिया, एक बार तुमने एलिमेंट बेसिस बना ली, उसके बाद ए से एलिमेंट लो, अगर मैं लीनियर कॉम्बिनेशन लिख पा रहा हूं तो उसे स्टैंडर्ड बेसिस कहेंगे, नहीं लिख पा रहा तो उसे स्टैंडर्ड बेसिस नहीं कहेंगे, ये चीज को ध्यान रखेंगे, ठीक है, समझ गए। अब तुम कहोगे भैया अगर वो लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख ही नहीं रहा तो वो तो बेसिस ही नहीं बनाएंगे, बेसिस की डेफिनेशन ही आपने ये बताई है कि वो लिख, बिल्कुल बिल्कुल सही कह, बट ये याद रखना स्टैंडर्ड बेसिस हमारे पास सिंपली क्या होगी, एज फार एज मैं तुम्हें बताना चाहूं तो सबसे ज्यादा सिंपल तरह से जो तुम लिख सकते हो चीजों को उसे कहेंगे स्टैंडर्ड बेसिस। दिखाता हूं, ऐसे नहीं हवा में नहीं बताता मैं कोई चीज। अब एक टेबल बना लेते हैं, वेक्टर स्पेस एंड इट्स स्टैंडर्ड बेसिस, वेक्टर स्पेस एंड, मैंने कहा था ना जितने में तुम सोच रहे हो, तुम क्या सोच रहे हो, ऐसे ही छोड़ दूंगा मैं इतनी बड़ी डेफिनेशन को, ऐसे नहीं लिखवाता मैं कोई भी चीज, समझाएंगे 20-30 एग्जांपल से समझाता हूं, सच में 20-30 से, नो एग्जैजरेशन। वेक्टर स्पेस एंड इट्स स्टैंडर्ड बेसिस, सबसे सिंपल वाली बेसिस को हम कहते हैं स्टैंडर्ड बेसिस, ऐसे याद रख लो, याद रखने के लिए पहला एग्जांपल तुम्हारे सामने लेना चाहूंगा, मान लो ऐसा वेक्टर, रुक जाओ एक टेबल बना लो, सबसे ऊपर यहां लिखो वेक्टर स्पेस, यहां पे लिख लेना स्टैंडर्ड बेसिस और यहां लिख लेना डायमेंशन, यहां लिख लेना डायमेंशन, स्टैंडर्ड बेसिस और यहां डायमेंशन, ठीक है।
अब वेक्टर स्पेस सबसे पहला ले रहे हैं सबसे सिंपल वाला फील्ड ओवर फील्ड, ठीक है, जैसे आर ओवर आर ले सकते हैं, सी ओवर सी, सी मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स प्लेन ओवर कॉम्प्लेक्स, तो वो सारा ले सकते हैं। इसमें कैसे डिफाइन करूंगा मैं इसको, ये चीज देखने वाली है। इसको मैं कुछ ऐसे डिफाइन करने वाला हूं, एफ इज इक्वल टू, ध्यान से लिखेंगे, एफ इज इक्वल टू ए इंटू वन, वेयर ए बिलोंग्स टू एफ, ए इंटू वन इक्वल, हाँ, और इसका डायमेंशन कितना हो जाएगा, डायमेंशन इसका हो जाएगा वन। ये आपने लिखा क्या, मैं बताता हूं कितने वेक्टर की जरूरत पड़ी इसको लिखने के लिए, एक ही, मतलब इस, ध्यान से समझ, वेक्टर कहां से लेते हो, यहां से, दिस इज कॉल्ड वेक्टर स्पेस, तो वेक्टर मैं यहीं से ही ले सकता हूं। ये क्या है मेरे पास, फील्ड, ध्यान रखना इस चीज का, जो कोफिशियंट होंगे वो आएंगे यहां से, कोफिशियंट, इसी के कारण ही कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी, और यही समझ आ गया तो इसी के कारण ये पूरा टॉपिक समझ आ जाएगा, ठीक है। फील्ड से क्या लेते हैं, कोफिशियंट, वेक्टर स्पेस से क्या लेंगे हम, वेक्टर्स, यहां से क्या लेंगे, और वो भी कौन से लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। अब ध्यान से देखो, आगे मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, मेरे को पता है यहां से नहीं समझ आया होगा, क्योंकि मैंने एक ही सिर्फ वेक्टर लिया वन, उसके अलावा मैंने कोई चीज नहीं लिया, सिर्फ वन से ही मैं सारे के सारे एलिमेंट को जनरेट कर दूंगा। भैया ऐसे कैसे आप कह सकते हो, क्योंकि एफ यहां पे तुम कोई भी, मेरे को एफ का एलिमेंट बोलो, कोई भी एफ का एलिमेंट, इस वाले एफ का, मैं सिर्फ उसको वन से मल्टीप्लाई करूंगा, आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये भी तो फील्ड वही है, नहीं समझे ना। मैं तुम्हें दूसरा एग्जांपल समझा दूं, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर, ओवर कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका स्टैंडर्ड बेसिस क्या होगी, वन, इसका डायमेंशन क्या होगा, वन, जितने इसमें एलिमेंट वो डायमेंशन, ये तो भैया हमें समझ आ गया, लेकिन आपने वन क्यों लिखी इसके स्टैंडर्ड बेसिस, मैं बताता हूं। यहां से क्या मिलेंगे, कोफिशियंट, तुम्हें यहां का चाहिए वेक्टर, इसका कोई भी एलिमेंट उठा लो, मैंने उठा लिया ए प्लस आयोटा बी, मेरे को इसके एलिमेंट चाहिए ना ए प्लस आयोटा बी, मैंने यहां से उठाया वन, वन को मल्टीप्लाई करो ए प्लस आयोटा बी से, खत्म, आ गया, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, शायद मैंने उल्टा बोल दिया, यहां से मुझे लेना ए प्लस आयोटा बी और यहां से लेना वन, तो यहां पर दोनों को मल्टीप्लाई करो, आ गया, वेक्टर उठाते हैं यहां से। अब मेरे को यहां पे कोई भी एलिमेंट बोलो, कोई भी, मेरे को थ्री माइनस फोर आयोटा बनाना भी है, ये कहां पे बिलोंग कर रहा है, बाहर वाले सी पे, मैं इसको सी डैश बोलू थोड़ी देर के लिए, थ्री प्लस आयोटा फोर, थ्री माइनस आयोटा फोर बिलोंग्स टू बी सी डैश, बिलोंग्स टू सी डैश, बाहर वाला जो वेक्टर स्पेस बना उससे मिल गई, ठीक है। क्या भैया मैं इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकता हूं, इसकी बिल्कुल लिख लेंगे, पहले लिखते हैं कोफिशियंट, साथ में लिखेंगे वेक्टर, वेक्टर कितना ले रहे हैं हम, वन, सिर्फ वन, वन तो सब कुछ लिख दूंगा, क्या ये थ्री माइनस फोर आयोटा इसके अंदर आएगा, बिल्कुल आएगा, अब ये भी तो कॉम्प्लेक्स नंबर ही है, इसमें भी आएगा, लोगों ने लिख दिया, और कोई एग्जाम्पल बताओ, मेरे को पता थोड़ी कंफ्यूजन हो जाएगी, लो आ गया थ्री, ये तो बनाना था हमें थ्री माइनस आयोटा फोर, और भी कोई भी बताओ मेरे को, भैया मुझे लिखना है रूट टू इंटू आयोटा, क्या ये लिख सकते हो, बिल्कुल लिख देंगे, साथ में लगा दो वन, जो हमने वेक्टर सपोज किया, क्या ये रूट टू, ये कहां से लिया मैंने, ये लिया सी से, और ये इसको प्रोडक्ट लेके ये कहां आ गया सी डैश में, क्योंकि सेम ही तो है दोनों भैया, सी और सी डैश, हाँ। तो भैया इस हिसाब से, जिस हिसाब से आप हमें बता रहे हो, उस हिसाब से तो रियल ओवर रियल भी वन ही आना चाहिए, बिल्कुल आए, इसका मतलब यहां वन लिखो पहले, तो इसका मतलब रियल ओवर रियल क्या आएगा, यह आने वाला है वन, यह आने वाला है वन, ऐसे ही रैशनल ओवर रैशनल क्या आएगा, रैशनल, तुम पूरा टेबल बनाना, बहुत बड़ा सा बनेगा, ठीक है, रैशनल ओवर रैशनल क्या बनेगा, ये भी बनेगा वन और यहां पर वन, तुम कोई भी रैशनल नंबर लाओ उसको वन से मल्टीप्लाई करो, यहां से लेंगे ना कोई भी रैशनल नंबर, जो मेरे को यहां चाहिए वो यहां सारा अवेलेबल है, बात समझ में आ रही। अगला तो आने वाला है सबसे इंपॉर्टेंट, अगला मैं तुमसे पूछने वाला हूं, लेट अस टेक दी एग्जांपल ऑफ क्यू थ्री, क्यू रूट थ्री ओवर क्यू रूट थ्री, या क्यू रूट टू ओवर क्यू रूट टू, कुछ भी ले सकते हो। अब बताओ स्टैंडर्ड बेसिस क्या होगी, भैया इसकी भी वन हो जाएगी, इसकी भी वन हो जाएगी, क्योंकि मैं कोई भी नंबर यहां से लूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा वन से, तो वो एलिमेंट यहां पर जरूर मिलेंगे, तो वन ही हमारे पास होगी बेसिस, और जितने बेसिस में एलिमेंट होते हैं वो कहां आ जाएंगे, यहां पे आ जाएंगे। अब ध्यान से सुनते रहो, जेड पी ओवर जेड पी, इस जेड पी में मेरे को और भी बात करनी है, बट दिस इज कॉल्ड मॉडुलो स्पेस, जैसे वो ऐसे लिखते थे ना, सेवन इक्वल टू थ्री मॉडुलो ए इक्वल टू बी मॉडुलो थ्री, ऐसा कुछ लिखते थे, ए इक्वल टू बी मॉडुलो थ्री, जिसको नहीं समझ, सी लिख दो यहां पर, जिसको नहीं समझ आ रहा है उसके लिए एक बार बता देते हैं,
ए इज इक्वल टू सी इंटू एन प्लस बी। कभी करी हुई है तुमने ऐसे रिमाइंडर थ्योरम बचपन में? रिमाइंडर थ्योरम करी हुई है, वही यहां पर लिखा है, ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम ही यहां पर लिखी हुई है। तो मेरे ख्याल से यहां तक समझ आ रही होगी तुम्हें, ठीक है, ये रिमाइंडर थ्योरम ही है और कुछ नहीं है। बस अभी के लिए याद रख लो, मैं इस पे स्टार लगा दो, इसके बारे में और बात करने वाला हूं, तो घबराना मत कि भैया आपने क्या लिख दिया, दिस इज कॉल्ड मॉड्यूलो स्पेस। अभी बताएंगे इसके बारे में, अभी नहीं, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है, छोड़ने नहीं वाला मैं कोई भी चीज। इसमें भी वन आएगा, इसमें भी वन आएगा, क्योंकि जो भी एलिमेंट यहां है वो मेरे को, जो भी एलिमेंट यहां से चाहिए है वो यहां से मिल जाएंगे मेरे को, सारे मिल जाएंगे, इसलिए वन से मल्टीप्लाई कर दो। आगे लिखने की कोशिश करते हैं, सी ओवर आर, सी ओवर आर। अब बताओ ना क्या करें, क्या आप यहां पे वन रख दू, वन से मल्टीप्लाई करो किसी भी रियल को, कॉम्प्लेक्स मिल जाएगा? नहीं मिल पाएगा भैया, बिल्कुल नहीं मिल पाएगा। क्या करें, क्या करें? तो फिर मैंने लिया यहां पे वन प्लस आयोटा, वन प्लस आयोटा। अब आ जाएगा सारा कुछ, तुम जनरल ए प्लस आयोटा बी लो, ये ए और बी कहां से होने चाहिए, ए और बी होने चाहिए रियल। अब तुम कोई भी नंबर बना सकते हो, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मेरे को किस किस जरूरत, किस किस चीज की जरूरत पड़ी, मेरे को जरूरत पड़ी ए इंटू वन की, मेरे को जरूरत पड़ी ए इंटू वन की प्लस बी इंटू आयोटा की, दो नंबर की जरूरत पड़ी, वन की और आयोटा की। अब मैं कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर बना दूंगा तो बेसिस मेरे पास क्या बन रही है, वन कोमा आयोटा, और इसमें डायमेंशन क्या होंगे, टू। चलो आ जाओ आगे चलते हैं। अगर मैं तुमसे पूछूं कि भैया आर ओवर क्यू क्या होगा, अभी ध्यान से सोचना पड़ेगा, स्टैंडर्ड बेसिस क्या रखें, ऐसा कौन सा, तो यहां पे आंसर आएगा नो स्टैंडर्ड बेसिस, नो स्टैंडर्ड बेसिस। पहले ही कहा था नहीं हो सकता, स्टैंडर्ड बेसिस एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो ये इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। मैंने बताया जिसकी बेसिस एग्जिस्ट करेगी, अभी अभी डेफिनेशन समझाई थी, फिर मत कहना बताया नहीं, अभी इससे पहले जो इतनी लंबी डेफिनेशन लिखवाई थी, अंडरलाइन कराया था, उसमें ये बताने की कोशिश की थी मैं। अब ये जो आर ऑफ क्यू है भैया, इसमें आपने क्यू लिखा नो स्टैंडर्ड बेसिस, क्योंकि क्योंकि अगर मैं यहां से कोई भी एक नंबर लू, रैशनल नंबर लू, क्या उससे मैं रियल बना सकता हूं? नहीं भैया, रैशनल से तो रैशनल ही मिलेंगे मेरे को, इरेशनल कहां से लोगे, समझ पा रहे हो? तो फिर मेरे को भैया कौन कौन से वेक्टर लेने पड़ेंगे, मेरे को वन लेना पड़ेगा सबसे पहले, तो वन तो भैया रैशनल से भी मिल जाएगा। हाँ दूसरा बताओ, टू रेस टू पावर वन बाय टू, थ्री रेस टू पावर वन बाय टू, फोर रेस टू, फाइव रेस टू पावर वन बाय टू, भैया ये सारे वेक्टर की जरूरत पड़ेगी, वरना इसको स्पैन कहां कर पाएगा, ये नहीं कर पाएगा। मेरे को लिखना पड़ेगा टू प्लस रूट टू, कैसे लिखोगे, आता ही नहीं रैशनल में, तो फिर मेरे को टू इंटू वन, टू इंटू वन तो लिख दोगे, लेकिन रूट टू कहां से लाओगे, नहीं ला पाएंगे। अरे ऐसे ही तो लिखते हैं ना यार, मेरे को तो सिर्फ रैशनल नंबर यहां से मिल पाएंगे ना, इरेशनल कहां से लाओगे? अगर मेरे को रियल लिखना है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा था ना, कोई भी एलिमेंट लो आर में से उठा लो, मैंने एक एलिमेंट लिया, उठा लिया ए प्लस रूट, ये उठा लिया, मेरे को लिख के दिखाना इन टर्म्स ऑफ रैशनल नंबर, तो ठीक है ये ए और बी भैया कहां से आते हैं, रैशनल में से, और ये वन और रूट टू कहां से आएंगे? और अगर मैंने चेंज ही कर दिया ए प्लस बी रूट थ्री कर दिया, या मैंने और ही चेंज कर दिया ए प्लस बी थ्री की पावर वन बाय हंड्रेड कर दी, या मैंने और ही चेंज कर दिया ए प्लस बी थ्री की पावर 0.554 कर दिया, अबे ये कहां से लाओगे, ये कहां से आते थे, ये आते थे इसमें से, जो बेसिस में आते थे ना, ये तो बेसिस बनाएंगे यार। ये कितने मेरे को जरूरत पड़ेगी, इनफाइनाइट जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इनफाइनाइटली मैनी इरेशनल नंबर्स होते हैं, रैशनल तो तुम्हें मिल जाएंगे, इरेशनल कहां से लाओगे, वो तो भैया बेसिस में ही आएंगे। तो इसका मतलब इस बार बेसिस में कितने हैं, इनफाइनाइटली मैनी नंबर्स हैं। समझने की कोशिश करो, अगर नहीं समझ आता, मैं चाहता हूं एक आध बार और वीडियो को बैक करके जरूर देखो, इंपॉर्टेंट चीज थी। अप टू सोन कितने एलिमेंट्स होंगे यहां पे, इनफाइनाइटली मैनी, समझ पा रहे हो? अब भैया ये तो आपने लिख दिया था, हाँ बिल्कुल, क्योंकि ए प्लस आयोटा बी दैट इज इट, मैं कोई भी एलिमेंट लिख सकता हूं कॉम्प्लेक्स, मेरे को बताओ ए और बी रियल डालू कोई भी लिख दूंगा। अब मेरे को लिख के दिखाओ ए प्लस बी रूट टू, तुम कहोगे भैया मैंने इस वाले क्वेश्चन के, इस वाले पार्ट के लिए, इस जिस पे स्टार बनाया, इसलिए मैंने बेसिस चूज कर ली वन और रूट टू, दैट इज इट, इसके अलावा मेरे को किसी की जरूरत नहीं। मैंने कहा ठीक है, इतना कॉन्फिडेंस है तुझे, ले बना के दिखा, डाल इसमें ए और बी को कुछ और बना के दिखा, इसे नहीं बन पाएगा। अबे बेसिस ही तुम्हारे पास ये थी रूट टू, रूट थ्री कहां से लाओगे, टाटा बाय बाय हो गया। इसीलिए ये इनफाइनाइट डायमेंशनल, और नेट पे सर्च करना जरा, गूगल पे जाके
Y R over Q is infinite dimensional vector space. इतने गंदे प्रूफ तुम्हें दिखेंगे ना वहां पे, दिल से बुरा लगता है। सुना ना डायलॉग? तो कॉम्प्लेक्स नंबर ओवर रैशनल, ये भी क्या होंगे? नो स्टैंडर्ड बेसिस। रीजन क्या है? एग्जैक्टली सेम, यही रीजन यहां पे भी आ जाए। अबे जब रियल कोई नहीं स्पैन कर पा रही तो कॉम्प्लेक्स तो भैया उससे भी बड़ा है, तो चाचा ताऊ जैसे हैं ये तो। नो स्टैंडर्ड नंबर नहीं, नो स्टैंडर्ड बेसिस, नो स्टैंडर्ड बेसिस। जिसकी स्टैंडर्ड बेसिस नहीं होगी तो वो इनफाइनाइट डायमेंशनल। इसको हटा देना, कहीं ये भी चिपका दो बीच में। आगे चले तो आगे हमारे पास एक एग्जांपल आता है मैट्रिसेस का, ठीक है? मैट्रिक्स का भी एग्जांपल लिखते हैं, यहां से रब करते हैं। अभी मेरे पास बहुत सारे एग्जांपल है तो आराम से लिखते जाओ, कोई घबराने वाली बात नहीं है, कोई घबराने वाली बात नहीं। तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि अगर मैं तुम्हें मैट्रिक्स लिखाऊं आर एम क्रॉस एन ओवर रैशनल, रियल की एक मैट्रिक्स एम क्रॉस एन, हाँ ये लिखना चाहता हूं, तो इसमें भी सेम ही आएगा, नो स्टैंडर्ड बेसिस। रीजन क्या है? सेम रीजन है, कोई भी फर्क नहीं है, नो स्टैंडर्ड बेसिस। रीजन यही है, एलिमेंट कहां से लाओगे? रियल। तुम कितने ही ऐसे बेसिस बना पाओगे? इन्फाइनाइट बनाने पड़ेंगे। सेम रीजन एग्जैक्टली डिटो रीजन यहां पे है, मैं यहां पे इनफाइनाइट डायमेंशनल स्पेस इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूं। सेम एग्जैक्टली सेम रीजन यहां पे है कि अगर भैया कोई भी मैंने मैट्रिक्स उठा ली, उस मैट्रिक्स में कैसे बनाओगे यार रैशनल से रियल? नहीं बन पाएंगे, तो इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। तुमने कर भी दिया अगर ए प्लस रूट टू और मैंने दे दिया रूट थ्री तो फंस जाओगे, और रूट थ्री ले लिया तो मैं दे दूंगा टू थ्री की पावर वन बाय सिक्स, फिर कैसे करोगे? तो फंस जाएंगे। इसका मतलब एक चीज को ध्यान रखो, ये हमारे पास क्या है? इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस होगा। इस चीज का छोटा सा ध्यान तुम्हें रखना पड़ेगा। यहां तक तो बात समझ आ गई होगी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अगर मैं तुमसे पूछूं कॉम्प्लेक्स ऑफ एम क्रॉस एन, अरे मैट्रिक्स बता रहा हूं ये तो पता है ना सबको, एक वीडियो में मैंने पूरा ये सारी बताई नहीं, फर्स्ट वीडियो में तुम्हें बताया था ये सारे के सारे, नहीं सेकंड वीडियो में, सॉरी वेक्टर स्पेसिस की सेकंड वीडियो देखोगे सब स्पेसिस, उसमें सारे बता रखे हैं तुम्हें कि किसको क्या कहते हैं, एन टपल क्या होते हैं, और मेरे पास मैट्रिक्स स्पेस क्या होता है, ये सारी चीजें तुम्हें बता रखी है। इसमें हमारे पास स्टैंडर्ड बेसिस क्या एग्जिस्ट करेंगे, ध्यान से देख, मेरा थोड़ा जगह ज्यादा गिरने वाली है बट ठीक है। अप टू सोन कितनी बार आएगा यहां पे? एम क्रॉस एन की है तो ये क्या होती है? नंबर ऑफ कॉलम, सॉरी ये क्या होगा? पहली कॉलम, कॉलम में कितने एलिमेंट होंगे? यहां पर कितने एलिमेंट होने वाले? एम, तो यहां पर एम टाइम्स दिस। फिर दूसरा होगा जीरो 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 अप टू सोन, अप टू सोन यहां पे भी करते जाओगे, ये स्टैंडर्ड बेसिस लिखवा रहे हैं तुम। अब दूसरा मैं तुमसे पूछू दूसरी क्या एग्जिस्ट करेगी, तो दूसरी ध्यान से देखना क्या एग्जिस्ट करेगी, मेरे को यहां पे लिखना पड़ेगा, जैसे मैंने तुम्हें करके दिखाता हूं एग्जाम्पल, वरना यहां पर कंफ्यूज हो जाओगे, इतना बड़ा एक बार में ही दिखा दिया ना तुम तो कंफ्यूज हो जाओगे, फिर मैं जनरलाइज कर दूंगा, ठीक है? सी वन क्रॉस वन आवर आवर, ठीक है? वन क्रॉस वन रहने दो, टू क्रॉस टू। अगर मैं इसकी स्टैंडर्ड बेसिस की बात करूं तो ये होगी वन जीरो जीरो जीरो, दूसरा होगा वेक्टर जीरो 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 वन, और तीसरा होगा आयोटा, एक वन चाहिए होता है एक आयोटा चाहिए होता है, यहां देखो ये रहा आयोटा जीरो जीरो आयोटा, और तीस सॉरी जीरो जीरो, और लास्ट वेक्टर की जरूरत पड़ेगी जीरो 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 आयोटा, ये चार की जरूरत पड़ने वाली है। तो जितने वेक्टर उससे ज्यादा की जरूरत पड़ रही है ना, इसका मतलब अगर मैं सी एम क्रॉस एन लिखूं, डबल की जरूरत पड़ रही है, सॉरी जितना यहां पे उसके डबल की जरूरत पड़ रही है, सी एम क्रॉस एन लिखूं तो क्या होगा ओवर आर, तो यहां पे इसकी स्टैंडर्ड बेसिस तो वही होंगी वन जीरो 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 जीरो, दूसरी होगी आयोटा जीरो 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 जीरो, ये सारी जीरो ही होंगी। फिर नेक्स्ट क्या एग्जिस्ट करेगी? एग्जिस्ट करेगी जीरो 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 आयोटा, फिर एक नेक्स्ट एग्जिस्ट करेगी जीरो 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 वन। बताना इसमें कितने हमारे पास डायमेंशनल स्पेस बन जाएगा? यहां पे कितने डायमेंशनल स्पेस था? फोर डायमेंशनल वेक्टर स्पेस था, खुद ही देख लो, एक दो तीन चार, जितने एलिमेंट होते हैं उतने डायमेंशनल वेक्टर स्पेस होता है। यहां कितने एग्जिस्ट करेंगे? टू एम एन, तो यहां लिख लेना टू एम एन, टू एम एन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस यहां पे होगा इसके लिए। ध्यान से समझ लो और इसको एक बार नोट कर लो, नहीं समझ आ रहा वीडियो बैक करके देखना, मैं कुछ भी नहीं छोड़ रहा हूं, सीरियसली कुछ भी नहीं छोड़ रहा हूं।
ऐसा नहीं कि बाद में तुम्हें सिखाएंगे, सब कुछ सिखा के जाएंगे यहीं पे एक सिंगल वीडियो में। इतनी सी भी चीज नहीं होगी जो आज के दो साल बाद में तुम्हें सिखाने वाला हूं दोबारा, मैं सब कुछ आज सिखा के जाऊंगा जितना भी किसी बुक में तुम ढूंढ सकते हो। ठीक है, आगे चले। तो आगे अगर मैं तुमसे लिखवाना चाहूं तो आर एम क्रॉस एन ओवर रैशनल, नेक्स्ट लिखो कॉम्प्लेक्स ओवर रैशनल, एम क्रॉस एन लिखा, ठीक है, एम क्रॉस एन ओवर रैशनल। तीसरा मैं लिखना चाहूंगा कॉम्प्लेक्स ओवर रैशनल रूट थ्री, और भी लिखना चाहेंगे रियल ओवर रूट टू, रियल ओवर क्यू रूट टू, और एक लिखना चाहूंगा क्यू रूट टू एम क्रॉस एन। ये सारे मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है, याद रखना ओवर रैशनल। ये सारा का सारा हमारे पास ध्यान हमें रखना पड़ेगा, ये सारा का सारा याद रखना पड़ेगा। दीज आर, एक कॉमन लिख देता हूं इसका आंसर इन सबके लिए, नो इसके लिए, ये लास्ट वाला भी आएगा, नो स्टैंडर्ड बेसिस, इनके लिए कोई भी स्टैंडर्ड बेसिस एग्जिस्ट नहीं करती। लास्ट वाले के लिए होगी, अभी बताता हूं, ठीक है, सिर्फ एक रूट टू ही चाहिए हमें एक्स्ट्रा, तो वो आ जाएगी बेसिस, अभी दिखाते हैं तुम्हें, ठीक है, नो स्टैंडर्ड बेसिस, तो इसका मतलब इनफाइनेटली इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। नेक्स्ट वाले में देखो क्या होगा, फिर से यहां पर टू बाई टू का एग्जाम्पल लेके चलते हैं, मैं उसको जनरलाइज कर दूंगा टू बाई टू, ठीक है, स्क्वायर का एग्जाम्पल लेके चलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स है, एक चाहिए होगी 1 0 0 1 0 0 0, एक चाहिए होगा मेरे को 0 0 0 1, एक चाहिए होगा रूट टू 0 0 0, एक चाहिए होगा 0 0 0 रूट टू, दैट इज इट, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए मेरे को। इसका मतलब भैया यहां पे भी हमारे पास क्या गया 2 mm, यहां पे भी हमारे पास क्या आएगा सेम चीज 2 mm, इसके लिए तो 4 आया डायमेंशन, अगर यहां पर 2 × 2 किया तो यहां कितना आ रहा है 4, अगर मान लो जनरल लिख दू क्यू रूट टू एम क्रॉस एन ओवर रैशनल, क्यू रूट टू एम क्रॉस एन ओवर रैशनल स्टैंडर्ड बेसिस, तो तुम समझ ही गए होंगे पहले में आएगा 1 0 0 0 0 0, फिर दूसरे में आएगा रूट टू 0 0 0 0 0, एंड में चलते चलते हमारे पास क्या आ जाएगा 0 0 0 अप टू 100, यहां पे भी यहां पे एंड में आ जाएगा 1 और यहां पे आ जाएगा 0 अप टू 100, सारे 0 सारे 0 सारे 0, लास्ट में आएगा रूट टू, तो कितने डायमेंशनल वेक्टर स्पेस बन जाएगा 2 mm, उसको ऐसे लिख लो 2 mm, लिख लो शाबाश। अगर मैं तुमसे कहूं रैशनल ओवर रूट टू, अब थोड़ा तुम्हारा दिमाग लगाने वाला टाइम आ गया, रूट टू कोमा रूट थ्री इसके लिए बताओ, तो मैं चाहता हूं इसके लिए तुम खुद सोचो, ये आएगा 4 mm, इसकी स्टैंडर्ड बेसिस सोचना कि क्या आएंगे, ये आएगा 4 mm, क्यों 4 mm आएगा, एक तो हमें चाहिए होगी 1 0 0 0, ये सारे 0 है, ठीक है, एक मेरे को इस बार चाहिए होगी रूट टू 0 0 0, फिर एक मेरे को इस बार चाहिए होगी रूट थ्री 0 0 0, तो इस बार 4 mm आएगी, इस बार खुद से मैं चाहता हूं तुम करके देखो, ठीक है, और दोनों के प्रोडक्ट भी आएंगे, रूट थ्री और रूट टू के प्रोडक्ट भी आएंगे, तो वो सारे करके देखेंगे तो 4 mm डायमेंशनल वेक्टर स्पेस होगा। मैं चाहता हूं तुम इसको याद भी रख लोगे तो अपना कोई नुकसान नहीं जाने वाला है, ठीक है, अगर मैं यहां पे इसको जनरल और लिखूं तो ओवर रैशनल, ठीक, रूट टू रूट थ्री रूट फाइव ओवर रैशनल, अब लिखो स्टैंडर्ड बेसिस तो हमें लिखने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रख लो होगा 8 mm डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। भैया अगर मैं तुम्हें जनरल लिखवा दू तो यहां पर देख लो एम क्रॉस एन, कितने इरेशनल नंबर डाल दूं मैं यहां पर, रूट टू रूट थ्री रूट फाइव अप टू सोन, एन एन इरेशनल नंबर मैंने डाल दी, तो क्या आ जाएगा एन रहने दो इसको, डब्ल्यू मान डब्ल्यू, तो डब्ल्यू एम एन, जितने भी यहां इरेशनल नंबर लोगे उतने डायमेंशनल उतने टाइम्स डायमेंशनल स्पेस बढ़ जाएगा। भैया ये ना अगर मैं तुम्हें ग्राफ के थ्रू समझाऊं ना, बताया मैं अप्लाइड का बंदा हूं, अगर ग्राफ के थ्रू समझाऊं ना मजा आ जाएगा तुम्हें, लेकिन अभी मैं तुम्हें कंफ्यूज नहीं करूंगा क्योंकि वो ग्राफ में मजा भी आ जाएगा एट द सेम टाइम उसी में इंटरेस्ट बन जाएगा फिर तुम्हारे यहां से हट के, इसलिए अभी नहीं बताने वाला, वो भी कभी करेंगे लेकिन अभी नहीं। आगे चलो तो हमारे पास आ जाएगा एन टपल में पहुंच जाते हैं फिर हम वी ओवर एफ वी एन एफ, या इसकी नोटेशन एक और भी बता रखी है एफ एन ओवर एफ एन टपल, एन टपल के कैसे बताओगे भैया आप स्टैंडर्ड बेसिस, बहुत आसान 1 0 0 0 अप टू सोन, फिर आएगा 0 1 0 0 0,
फिर आएगा 0001 अप टू सोन, ऐसे ही चलता जाएगा 000 अप टू सोन। जैसे अभी अभी मैंने तुम्हें बताया था 3x3 के लिए लिखना, तो कैसे लिखेंगे 100000, थ्री डायमेंशन वेक्टर स्पेस का ये हमारे पास होती है स्टैंडर्ड बेसिस। स्टैंडर्ड बेसिस अगर मैं लिख के दिखाऊं तो ऐसी कुछ होगी, बेसिस की टर्म्स में लिखूं तो 100000001, ऐसी एन डायमेंशन के लिए क्या होगी ये लिखी तुम्हारे सामने, तो इसका डायमेंशन कितना आ जाएगा एन, ध्यान से लिख लेते हैं ठीक है। चलो लिख लो, एक काम करते हैं तुम इसे नोट करो, मैं इंक फिल करके आता हूं वरना मजा नहीं आएगा। यस वी आर बैक, तो आगे चलते हैं इसकी एन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस एकदम चमचमाता हुआ एन, एकदम चमचमाता हुआ एन लिखते हैं यहां पे। आगे चलते हैं, एन टपल्स अगर मैं लिखना चाहूं यहां पर थोड़ा रब कर लेते हैं, ऐसे ही मैं लिख के नहीं दिखाने वाला हूं लेकिन याद रखना, अगर कॉम्प्लेक्स के एन टपल लिखना चाहूं तो कितने लिख, इसका भी क्या होगा सेम ही लिख सकता हूं, आयोटा 000, 0 आयोटा 000, फिर 00 आयोटा 000 अप टू सोन, ऐसे चलते रहेंगे ठीक है। ये तो थ्री डायमेंशन के लिए मैंने लिखा था F3/F ऐसा आएगा कुछ ठीक है। ऐसे ही कॉम्प्लेक्स के लिए क्या आ जाएगा, सेम ऐसे बेसिस लिख सकते हैं थ्री डायमेंशन सॉरी n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। ऐसे अगर मैं रैशनल के लिए लिखना चाहूं, रियल के लिए लिखना चाहूं, सबके लिए तो मैं लिख ही दूंगा ना, रियल के लिए भी लिख सकते हैं, रियल के लिए भी आ जाएगा n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, और रैशनल के लिए भी लिख सकते हैं, रैशनल के लिए सेम एन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, और जेड पी भी लिख सकते हैं ऐसे याद रखना, जेड पी एन ओवर जेड पी, जेड पी पे मैंने बताया तुम्हें प्रोमिस किया है इस पर और भी बात करेंगे, अभी नहीं अगला ही लेक्चर वैसे तो इस पे आने वाला ऑर्डर्ड सेट ऑर्डर बेसिस पे, तो उसमें बताएंगे ठीक है, अभी नहीं, इसमें भी एन आएंगी। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं वी एन जेड पी, एक ही नोटेशन है ठीक है, कोई फर्क नहीं है दोनों में। Q root 2 over Q root 2 इसमें कितने होंगे भैया, ये भी हमारे पास होने वाला है n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं CR कॉम्प्लेक्स ओवर, अब कितने जरूरत पड़ेंगे भैया, अब हमें जरूरत पड़ेंगे 2n, क्योंकि एक तो होंगे ये 1 वाले और एक होंगे आयोटा वाले है ना, दो जरूरत पड़ेंगे इसलिए 2n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। आगे R ऑफ n ओवर Q, ये अभी अभी तुम्हें बताया था नो स्टैंडर्ड बेसिस और इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। ऐसे अगर मैं Q आयोटा n ले लूं तो ओवर Q सेम है इसका भी, नो स्टैंडर्ड बेसिस। आगे चलते हैं, अब हमने n टपल वाली भी बात कर ली, अब हम पॉलिनोमियल्स पे आते हैं ठीक है। पहले हमने बात की सिंपल स्पेसिस की, रियल नंबर क्या होता है और कॉम्प्लेक्स क्या होता है उनकी बात की, फिर हमने मैट्रिक्स की बात की, फिर हमने एन टपल की बात की, अब हम बात करने वाले हैं पॉलिनोमियल्स की ठीक है। तो पॉलिनोमियल पे आ जाते हैं, पॉलिनोमियल याद रखना दो तरह से पॉलिनोमियल होते हैं, एक तो जो मैं अब लिखने वाला हूं जो कि होने वाला है f ओवर f ठीक है। अगर मैं इसमें तुम्हें लिख के दिखाना चाहूं तो ये होगा 1xx² अप टू सोन, कितने डायमेंशन हो गए इनफाइनाइट डायमेंशन, कितने लिख सकता हूं ऐसे इनफिनिट ले जाओ कितना भैया, यहां पे तो आप ऐसे नहीं लिखा करते थे पी एन एक्स ऐसा कुछ, हाँ वो लिखवाए वो भी अभी बताएंगे, तो अभी इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, अभी इसे भूल जाओ, ये तो सॉरी पी एन एक्स लिखा था ना, पी एन एफ आएगा, ये तो एन डायमेंशन एन डिग्री पॉलिनोमियल होता ना, यहां पे एन डिग्री कुछ नहीं है, ये तो कितना भी हो सकता है ठीक है। ऐसे अगर मैं तुम्हें लिख के दिखाना चाहूं बहुत सारे एग्जांपल, तो इसके लिख लो कॉम्प्लेक्स ओवर कॉम्प्लेक्स, ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट लगाना इस पर ठीक है, तो इसमें भी सेम इनफाइनाइट डायमेंशनल, इसको एन को भूल जाओ सॉरी इन पे हाँ इनफाइनाइट डायमेंशनल, ऐसे आर कर लो रैशनल कर लो, आर इनफाइनाइट डायमेंशनल, क्योंकि इसमें कितने भी ले सकते हो ना, एक्स की पावर 100, 200, 1000, 1,000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 ,
इनफाइनाइट डायमेंशन, उसके बाद चलेंगे जेडपी मॉडुलो ग्रुप, ग्रुप नहीं स्पेस इनफाइनाइट डायमेंशन, उसके बाद चलेंगे कॉम्प्लेक्स ओवर आर, कॉम्प्लेक्स ओवर आर, ये भी हमारे पास क्या होगा, ये होगा फाइनाइटली डायमेंशनल। अब भैया ये फाइनाइटली क्यों बोल रहे हो आप, ये फाइनाइटली हमारे सॉरी ये इनफाइनाइटली क्यों होगा इसका भी बता देते हैं रीजन। ये इनफाइनाइटली हमारे पास होगा एक एक्स, फिर पहले वन होगा फिर एक्स फिर आई, रुको
माय बैड, वन आयोटा, आयोटा एक्स, खाली एक्स, फिर आयोटा एक्स स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर। भैया इसमें तो आयोटा वाले भी आएंगे, एक्स स्क्वायर भी आएंगे, तो उससे भी ज्यादा बड़ी वाली इंफिनिटी आएगी, बट है तो इंफिनिटी ही, चाहे कैसी भी इंफिनिटी आए इंफिनिटी ही आएगी। अगला चलते हैं, रियल ओवर रैशनल, ये हमने कर लिया है रियल ओवर रैशनल। ये तो भैया मैंने तुम्हें अभी अभी कितनी बार ये अब तक एक्सप्लेन कर दिया, नो स्टैंडर्ड बेसिस, नो स्टैंडर्ड बेसिस, इनफाइनाइट डायमेंशनल, याद रखना तुम रैशनल से रियल पर नहीं जा पाओगे, है ना, सारे चीजें यहां पर नहीं ले पाओगे, क्योंकि यहां पर इनफाइनाइटली मैनी इरेशनल नंबर्स होते हैं, तो उतने नहीं ले पाओगे बेसिस में, ठीक है, नो नो स्टैंडर्ड बेसिस। चलो आगे लिखते हैं, रियल ओवर रैशनल हो गया, अब आते हैं n डायमेंशनल पॉलिनोमियल पे, तो यहां पे आ जाएगा n डायमेंशन, n डायमेंशनल नहीं यार, n डिग्री पॉलिनोमियल, n डिग्री पॉलिनोमियल। याद रखना पहले मैंने तुम्हें कराए हैं सिंपल वेक्टर स्पेसिस, फिर मैंने तुम्हें कराए हैं मैट्रिसेस, फिर मैंने तुम्हें कराए हैं n टपल, फिर मैंने तुम्हें कराए हैं पॉलिनोमियल्स, इनफाइनाइट डायमेंशनल पॉलिनोमियल्स, फिर मैंने तुम्हें कराए n डायमेंशनल पॉलिनोमियल्स। चलो आ जाओ n डायमेंशनल में, क्या होगा, 1 x अप टू सोन x रेस टू पावर n, तो यहां पे n डायमेंशनल हो जाएगा, सॉरी यहां कितना होगा n प्लस वन डायमेंशन। भैया n प्लस वन क्यों, क्योंकि इसके अंदर एलिमेंट कितने हैं, n प्लस वन, n थोड़ी है, अरे x से लेके xn तक n एलिमेंट्स, और ये वन में तो है, ठीक है। अब आगे चलो, n डायमेंशनल पॉलिनोमियल है जिसमें मैं कोफिशिएंट ले रहा हूं कॉम्प्लेक्स नंबर से, n प्लस वन, रियल रियल से ले सकता हूं n प्लस वन, रैशनल से ले सकता हूं n प्लस वन, ये तो स्टैंडर्ड एग्जांपल है यार, इसमें मैं क्या ही करूं, क्या ही बता दूं, n प्लस वन। चलो आगे चलते हैं, तो आगे हमारे पास आ जाएगा काफी सारे एग्जांपल हो गए। नेक्स्ट अब हम एग्जांपल लिखते हैं, ये वाला दोबारा लिखेंगे, ठीक है, लेकिन इस बार n डिग्री वाले में लिखेंगे, मैं एग्जांपल रब नहीं करता हूं, ठीक है, इस बार ऐसे लिखो इसको, सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n, ऐसे लिख लो, सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल, कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल मतलब कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल होना चाहिए, ऐसे वाला नहीं, ये तो इनफाइनाइट डायमेंशनल हो जाए, इसीलिए मैं इसकी कोई नोटेशन नहीं है, तो इसको ऐसे लिख रहा हूं, ठीक है, सेट ऑफ ऑल इनफाइनाइट, इस सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल, कोई नोटेशन नहीं है स्टैंडर्ड, इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूं इसको, सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री अप टू एन, ऑफ डिग्री अप टू एन, ठीक है, जिसमें 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 मैं कोफिशिएंट और सॉरी फील्ड क्या लेने वाला हूं, रियल फील्ड, रियल लेने वाला हूं, तो यहां पे कैसे एलिमेंट आ जाएंगे, पहले वन फिर आयोटा, वन आयोटा फिर एक्स फिर आयोटा एक्स फिर एक्स स्क्वायर फिर आयोटा एक्स स्क्वायर फिर अप टू सोन एन एक्स, सॉरी एक्स की पावर एन आयोटा एक्स की पावर एन, एक तो वन वाले होंगे मेरे पास, एक आयोटा वन वाले होंगे, तो इसमें कितने डायमेंशनल वेक्टर स्पेस बन जाएगा, ध्यान से सोचो इसमें कितने डायमेंशनल वेक्टर स्पेस बन जाएगा, ये मैं तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूं, कितने डायमेंशनल बन जाएगा, एन प्लस वन या एस, देखो ठीक है या नहीं, सिंपल वाले में एन प्लस वन होता है, उतने ही कॉम्प्लेक्स वाले भी आ गए, उतने ही कॉम्प्लेक्स वाले भी आ गए, तो यह क्या हो गया, 2n plus 1 dimensional vector space, question mark हटा देते हैं, एक और example करेंगे, next हमारे पास है set of all complex polynomials, जिसमें rational देने वाले हैं, ये वाला सोचना पड़ेगा यार, ये सोचना पड़ेगा तुम, इसका अब तुम कूद के दे देना आंसर, set of all, almost same ही लिख रहा हूं जो ऊपर लिखा, complex polynomial, complex polynomial of degree n, degree अप टू एन, फील्ड जो दे रहा हूं इस बार रैशनल दे रहा हूं, फटाफट बता दो क्या आएगा इसमें, शाबाश फटाफट बता दो, कॉम्प्लेक्स ओवर रैशनल ऐसा कुछ दे रहा हूं, शाबाश समझ गए, नो स्टैंडर्ड बेसिस बता रहे हैं ना, कईयों ने तो सोच भी ली होगी इसकी स्टैंडर्ड बेसिस होगी भी, वो बना रहे होंगे वन आयोटा एक्स ये वो, अभी अभी बताई कॉम्प्लेक्स में नहीं आने वाली है, यही कहीं ये देखो एक तो यही लिखा हुआ एग्जांपल, क्या कर रहे हो यार, तो ध्यान नहीं है तुम्हारा बिल्कुल भी, समझ में तो आ रहे हैं,
बहुत मुश्किल नहीं है ये, सच बताए तो सीरियसली मुश्किल नहीं है ये। सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूड फंक्शन मैंने तुम्हें बताए, अब यहां तक बताए थे एन डिग्री पॉलिनोमियल, अब मैं तुम्हें बता रहा हूं सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूड फंक्शन। तो लिख लो सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूड फंक्शन दैट इज वी फ्रॉम एफ फ्रॉम आर टू आर, एफ सच दैट एफ इज फ्रॉम आर टू आर, आर टू आर इज अ फंक्शन, इज अ फंक्शन, अब फंक्शन ही है ठीक है। तो मैं बताया बहुत सारी कंडीशंस फॉलो करनी पड़ेंगी वगैरह वगैरह, है मैं कह रहा हूं है फील्ड तो मैं दे रहा हूं मैं रियल ठीक है, फील्ड रियल दे रखी है। तो यहां पे क्या आएगा बताओ, ध्यान से सोच समझ के यहां मैं ले सकता हूं बेटा नो स्टैंडर्ड बेसिस, कुछ भी आ सकते हैं यहां पर कुछ भी, मैं तुम्हें दिखाता हूं अभी। अरे फंक्शन बनाना है भैया, फंक्शन तो कितने सारे आ जाएंगे, अब तुम्हें पता है इसमें तो सिर्फ रियल नंबर में, रियल नंबर में अभी तुम एक 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 मिनट इनफिनिट डायमेंशन, इस बार क्या क्या बेसिस ले पाओगे तुम, इस बार सोचो बेसिस में क्या लेना पड़ेगा भैया, फंक्शन में तो कुछ भी आ जाएगा, वन एक्स स्क्वायर साइन एक्स ई की पावर एक्स और कॉस एक्स कॉस हाइपरबोलिक एक्स, हाइपरबोलिक एक्स ई की पावर आयोटा एक्स, सॉरी आयोटा तो नहीं रियल वैल्यू है, ई की पावर माइनस एक्स अप टू सोन, कितने आ जाएंगे तो इन्फाइनाइट आ जाएंगे भैया। तो नो स्टैंडर्ड बेसिस इन्फाइनाइट डायमेंशनल, क्योंकि भैया फंक्शन है नंबर थोड़ी है यार, इस बार तो फंक्शन है, फंक्शन तो इन्फाइनाइटली मैनी होते, इसका मतलब डायमेंशन भी कितना होगा इन्फाइनाइटली मैनी डायमेंशन होगा। ऐसे बहुत सारे फंक्शन साइन टू एक्स और साइन पचास एक्स साइन वन मिलियन एक्स बहुत सारे बन पाएंगे, इसीलिए इन्फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। दैट इज इट फ्रॉम माई साइड, हमने भैया इतनी सी चीज नहीं छोड़ी, अरे जा कहां रहे हो, कहां चले है, अभी खत्म नहीं हुई है पिक्चर, अभी तो अगली थ्योरम लिखो भेज रहे तुम्हें आज, यहां पे पंखा नहीं चला पाते हम ताकि आवाज ना आए बैकग्राउंड में, और तुम भागने को हो रहे एसी में बैठ के। तो यहां लिखो नेक्स्ट एक्सटेंशन थ्योरम। अभी इसका थोड़ी देर में आगे आने वाली वीडियोस में काम है, बट अभी के लिए लिख लो। इफ वी ऑफ एफ इज अ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, देन एनी सेट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, मैं नहीं बोल रहा बेसिस बनाएंगे, बेसिस नहीं, कैसे भी हो, मान लो बेसिस में 50 एलिमेंट्स, कोई ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है जिसमें, कोई ऐसा सेट एग्जिस्ट कर रहा है जिसमें 10 एलिमेंट है, लेकिन 10 के 10 क्या है लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो मैं इसको बेसिस में कन्वर्ट कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं बेसिस में कन्वर्ट, इसको मैं बेसिस में कन्वर्ट कर सकता हूं। मैंने ये नहीं कहा बेसिस बनाएंगे, नहीं बेसिस में कन्वर्ट कर सकता हूं ये जरूर कह सकता हूं ठीक है। वही मैं लिखवाने वाला हूं, सेट ऑफ ऑल लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर एस इज इक्वल टू अल्फा वन अप टू सोन अल्फा एन, अल्फा एम लिख लो इसको, बार बार एन लिख रहे ना, इज इधर अ बेसिस ऑफ वी ऑफ एफ, or it can be extended to form the basis, to form the basis of V of F, that is, इसको ऐसे भी कह सकते हो, it is a part of a basis, ऐसे भी कह सकते थे, इसका स्लैश लगा ब्रैकेट में लिख देना, ऐसे भी लिख सकते हो एक और तरह से, it is contained in स्टैंडर्ड बेसिस, मतलब वो स्टैंडर्ड बेसिस में ही आएंगे वो सारे के सारे वेक्टर जो भी लीनियरली इंडिपेंडेंट दिखेंगे। क्या भैया वो सारे के सारे जो लीनियरली इंडिपेंडेंट आप कह रहे हो वो खुद भी बेसिस बना सकते, नहीं खुद ही बेसिस बनाएंगे, वरना उसे बेसिस ही पहले कहते,
वो बेसिस के पार्ट होंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको लिख लेना इंपॉर्टेंट। मैं दोबारा समझा देता हूं। मान लो हमारे पास एक बेसिस एग्जिस्ट कर रही है जिसमें एलिमेंट्स हैं एन, एक मेरे को दूसरा सेट मिला जिसका नाम है डब्ल्यू, डब्ल्यू में एलिमेंट्स हैं, इसी के एलिमेंट्स हैं अल्फा एम, इसके सॉरी ऐसे लिख लो, डब्ल्यू इक्वल टू बीटा वन अप टू सोन बीटा एम, सेम सेम वेक्टर स्पेस से है, इसको ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट, कहां से आ रहे हैं v ऑफ f से। तो ये जो w होगा ये किसके अंदर होगा, ये s में ही होगा, s का ही एक पार्ट होगा, ये चीज को ध्यान रखेंगे। अगर ये लीनियरली, इफ लीनियरली इंडिपेंडेंट, तभी, ऐसे नहीं उठा के s में डाल देना कुछ भी। चलो आगे चले, आगे कुछ इंपोर्टेंट थ्योरम्स है, फटाफट लिखते रहो। डेफिनेशन कहा था और नहीं लिखवाने वाला, ये तो थ्योरम्स है, तुम तो भैया हमारे साथ गेम खेल रहा, आपने पहले का डेफिनेशन नहीं आएंगे फिर आ गए, अरे डेफिनेशन थोड़ी है, ये तो थ्योरम्स है, आगे लिखो एक और थ्योरम, शाबाश। थ्योरम प्रूफ नहीं कराने वाला हूं, इसके प्रूफ एक सिंगल वीडियो में आएंगे जिसमें सारे प्रूफ करा देंगे। इफ वी ऑफ एफ इज एन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, इफ वी ऑफ एफ इज फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ऑफ डायमेंशन ऑफ वी, दे रखा तुम्हें एन, एंड एस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर, एंड एस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स, सेट ऑफ वेक्टर्स, वैसे तो देखने में ऑब्वियस सी लगेगी ये डेफिनेशन, ये थ्योरम, बट ठीक, सेट ऑफ वेक्टर, देन डायमेंशन ऑफ एस इज लेस देन, हाँ डायमेंशन ऑफ एस इज लेस देन इक्वल टू एन, ऑब्वियस सी बात थी, है ना, मतलब जो भी फाइनाइट डायमेंशन, जो भी वेक्टर स्पेस का डायमेंशन होगा और इसमें एलिमेंट्स होंगे वो या तो लेस होगा या तो वो इक्वल होगा। स्टैंडर्ड बेसिस में एन ही होते हैं, मैंने तुम्हें बताया था, है ना, स्टैंडर्ड बेसिस में एन एलिमेंट्स होते हैं, ये ध्यान रखना है। क्या भैया बेसिस और भी तरह की हो सकती है, बिल्कुल और तरह की हो सकती है, लेकिन स्टैंडर्ड बेसिस का भी मैंने तुम्हें डेफिनेशन इतना चिल्ला चिल्ला के बताई है, स्टैंडर्ड बेसिस में मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो सकते हैं। जो यहां तक पहुंचा होगा वीडियो तक, जो आदमी भाग गया होगा वो तो उनके लिए तो सल्यूट है मेरी तरफ से, जो यहां तक पहुंचे उनके लिए एक नोट लिख लेना साइड पर अपनी नोटबुक में, जहां भी नोट्स बना रहे हो। स्टैंडर्ड बेसिस का मतलब होगा, स्टैंडर्ड बेसिस का मतलब होगा मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ बेसिस, इन अ बेसिस सेट, बात ही खत्म हो गई। लो और इजी बना दी डेफिनेशन, इससे इजी क्या ही बना पाए, इससे इजी नहीं बना पाऊंगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ बेसिस सेट, बस लिख लो, मैं ये लिख के रहने देता हूं इसे। अगली थ्योरम लिखो, नेक्स्ट थ्योरम, या तो भैया जिसमें मैक्सिमम नंबर जो एन वाली होगी उसे स्टैंडर्ड बेसिस कहेंगे, उसे कम वाली को क्या कहेंगे, उसे कम वाली को नहीं कहेंगे स्टैंडर्ड बेसिस, वो सिर्फ बेसिस होगी। तो याद रखो जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे उसका नाम है स्टैंडर्ड बेसिस। आगे लिखो, इफ वी ऑफ एफ इज फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, वेयर डायमेंशन ऑफ वी इज इक्वल टू एन, मेन मेन थ्योरम करेंगे, ठीक है, जो हमारे काम की है, एंड एस इज अ सबसेट ऑफ वी, एफ जो है, एस जो है सबसेट ऑफ वी, सच दैट एस में जो एलिमेंट है वो ज्यादा है एन से, देन भैया ज्यादा है फिर तो ये बेसिस ही नहीं बनाएगा, हाँ देन एस इज लीनियरली डिपेंडेंट, याद रखना then S is linearly dependent, फिर वो independent हो गई नहीं, और independent नहीं है तो basis नहीं बनाएगा। चलो शाबाश लिख लो, if V is finite dimensional vector space such that, next theorem हमारे पास आ रही है, if V of F is finite dimensional vector space, is V of F is finite dimensional vector space and S is a subset of V and S is a subset of V, then and लिख लो इसमें, such that L of S is equal to V, such that L of S is equal to V, then पूरा उसको generate कब करेगा, such that L of S मतलब linear span of S क्या होगा V, then एस में जितने एलिमेंट होंगे वो ज्यादा होंगे एन से,
एंड क्या है डायमेंशन ऑफ बी, ठीक है ध्यान से लिख लो, या इसके इक्वल भी हो सकता है, ध्यान से लिख लो, दो तीन थ्योरम्स ही हैं बस, सिर्फ इतने ही, दोबारा एक और बार लिखने पड़ेगा हमें, एस इज फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, बस थोड़ा सा रहेगा उसके बाद दो तीन क्वेश्चन और रैप अप करते हैं। इफ एस इज अ फाइनाइट, इफ वी एफ एफ इज अ फाइनाइट डायमेंशन, इफ वी ऑफ एफ इज फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ऑफ डायमेंशन एन, डायमेंशन ऑफ बी एन दे रखे हैं, एंड 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 बी इज इक्वल टू अल्फा वन अल्फा टू अप टू सो ऑन अल्फा एन इज अ बेसिस ऑफ वी ऑफ एफ, इज अ बेसिस ऑफ वी ऑफ एफ, ये भी ऑब्वियस सी थ्योरम लगेगी लेकिन इंपॉर्टेंट, देन एवरी वैक्टर ऑफ, देन एवरी वैक्टर, अभी अभी बताई चिल्ला चिल्ला के, अल्फा बिलोंग्स टू वी, कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज, कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एक्सप्रेस्ड एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलसी ऑफ वैक्टर्स ऑफ बी, दैट इज इट। बस अभी अभी तो बताया जितने भी ये वेक्टर होंगे, जो भी मैं अल्फा, जो भी फॉर एग्जांपल कौन सा एलिमेंट बोला मैंने, अल्फा, अल्फा बिलोंग्स टू वी, इस अल्फा को कैसे लिख सकता हूं, इनका लीनियर कॉम्बिनेशन लिख सकता हूं, सी वन अल्फा वन सी टू अल्फा टू अप टू सोन सी एन अल्फा एन लिख दूंगा, अभी अभी तो बताया मुझे, और यूनिकली लिख सकता हूं ये लिख लेना है, इसको अंडरलाइन कर लेना, यूनिकली लिख सकता हूं, ये चीज ध्यान रखना, दैट इज इट। थ्योरम्स का तो हमारे पास होता है काम खत्म, ऑर्डर्ड बेसिस वगैरह हम करेंगे नेक्स्ट टाइम, बट जा कहां रहे हो, अभी तो दो तीन क्वेश्चन करेंगे कि कौन बेसिस बनाएगा कौन बेसिस नहीं बनाएगा। वैसे तो लास्ट वीडियो तुमने देखी ही होगी, उसमें मैंने अच्छी तरह सारी चीजें क्लियर कर रखी हैं, पर ठीक है एक और बार तुम्हें छोटी छोटी चीजें बता देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ वेक्टर इज अ बेसिस ऑफ वी ऑफ, क्वेश्चन लिख लो, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ वेक्टर्स फ्रॉम थ्री डायमेंशनल वेक्टर स्पेस इज अ बेसिस ऑफ आर, इज अ बेसिस ऑफ आर थ्री आर। शाबाश, पहला तो मैं दे रहा हूं वन 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 टू थ्री, वन 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 टू थ्री, दूसरा तो मैं दे रहे हैं बेसिस बतानी है, बेसिस की दो कंडीशन होती हैं, एक लीनियरली इंडिपेंडेंट, दूसरा स्पैन करना चाहिए, वन 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 टू थ्री थ्री फाइव एट, वन टू थ्री थ्री फाइव एट, थ्री फाइव एट, अगला वन 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 टू थ्री थ्री फाइव सेवन, वन 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 टू थ्री थ्री फाइव सेवन। शाबाश, फोर्थ ऑप्शन हमारे पास है वन टू थ्री थ्री सेवन इलेवन, वन टू थ्री थ्री फाइव सेवन, अभी पहले ही क्वेश्चन में तुम्हें शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा, थ्री फाइव इलेवन लिख लो, थ्री सेवन इलेवन, हाँ थ्री सेवन इलेवन, और अगला टेन ट्वेल्व फिफ्टीन, थर्टीन फोर्टीन सेवनटीन, चलो ये ऑप्शन तुम्हारे सामने है, चलो शाबाश बता दो, एक सेकंड का समय दे, एक सेकंड का नहीं दस सेकंड का समय देते हैं, वीडियो पॉज करो, कर लिया ट्राई, कर लिया, चलो पहला, क्या पहला बना पाएगा, बिल्कुल भी नहीं बना पाएगा भैया, ये तो स्पैन ही नहीं कर पाएगा, कैन नॉट स्पैन, क्योंकि दो वैक्टर है इसके पास, और दो वैक्टर तीन डायमेंशनल वैक्टर स्पेस को कैसे स्पैन कर पाएगा, कैन नॉट स्पैन, आर थ्री ओवर आर स्पैन ही नहीं कर पाएगा, लास्ट वाला भी नहीं हो पाएगा, कैन नेवर बी, ये सारी चीजें मैं तुम्हें लास्ट वीडियो में बता चुका हूं, इसलिए इसको लास्ट में लिया, जल्दी जल्दी करेंगे, कैन नेवर बी लीनियरली इंडिपेंडेंट, क्योंकि भैया कॉन्स्टेंट कितने हैं, कितने डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, तीन, और चार वेक्टर लेके आ गए, लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं होगा, इनके लिए तुम्हें चेक करना पड़ेगा, बना लो मैट्रिक्स, जिसका डिटर्मिनेंट आएगा नॉन जीरो लीनियरली डिपेंडेंट, जिसका आएगा जीरो
जिसका आएगा नॉन जीरो लीनियरली इंडिपेंडेंट, जिसका जीरो आएगा लीनियरली इंडिपेंडेंट। बना लो मैट्रिक्स 1 1 1 1 2 3, इसका बना लो 3 5 8, चेक करो 1 1 1 1 2 3, डिटर्मिनेंट तो मेरे ख्याल से तुम्हें निकालना आता ही होगा। चेक कर लेना किसका जीरो आ रहा है किसका जीरो नहीं आ रहा है, ठीक है। मेरे ख्याल से ये आएगा नॉन जीरो, ये आएगा जीरो, तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट, लीनियरली डिपेंडेंट। गैस किया है तुम अपने आप चेक कर सकते हो, ठीक है। आगे एक और क्वेश्चन पकड़ते हैं, एक काम करते हैं, एक तुम्हें करा देते हैं पॉलिनोमियल से, एक कराया सिंपल मैट्रिक्स वाला, सॉरी हाँ मैट्रिक्स वाला, और एक तुम्हें करा देते हैं एक सिंपल करा और एक करा देते हैं तुम्हें पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल से करा देते हैं। चलो आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट सेट ऑफ वेक्टर्स फ्रॉम, बस तुम्हें चेक क्या करना होता है हमेशा, लीनियरली डिपेंडेंट है इंडिपेंडेंट है या स्पैन कर रही है। स्पैन करने के लिए उतने ही हमारे पास वेक्टर की जरूरत है जितने डायमेंशन वेक्टर स्पेस है वो, ठीक है। बेसिस ऑफ P3R, चलो पहला ऑप्शन तुम्हें देते हैं 1 + x, x + x² 1 + x, x + x² x² x³ x³ 1 + x, x + x² और फिर है x² + x³ x³ + 1, फिर है 1 + x² 1 + x, x + x², फिर है हमारे पास x² + x³ x² + x³, फिर है 1 + 2x + 3x 1 + 2x + 3x² + 4x³, उसके बाद फोर्थ पार्ट है हमारे पास 1 + 2 + x 1 2 + x, फिर हमारे पास 3 + x², फिर हमारे पास है 4 + x³, फिर हमारे पास है 5 6 7 8, शाबाश करो ट्राई, 10 सेकंड का समय है, फटाफट कर लेंगे हम, जल्दी से कर लेंगे हम, हो गए ट्राई, कर लिया, चलो आ जाओ। पहले वाला बताओ हो सकता है या नहीं हो सकता, मेरे को जल्दी बताओ, ये जो पहले वाला वेक्टर है क्या ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, पहली बात। एक मिनट रुको, कुछ घपला तो नहीं कर रहे हैं, नहीं, चलो हाँ पहले तो मेरे को ये बताओ डायमेंशन ऑफ P3R कितना आएगा। अभी भैया एक अगर किसी ने मेरे को बोल दिया इसका डायमेंशन आएगा 3, सोच रहे थे ना 3, सच बताना, खुद से झूठ नहीं बोल पाओ, सोच रहे थे ना 3, अबे 3 ने 4 होता है, बताया था ये तुम्हें, एक 1 भी तो आता, इसमें ऐसे ही तो पूछेगा 1 x x² x³, अबे ये तो डिग्री शो करता था, 1 भी तो आता था यहां पर, भूल गए, तो इसकी डायमेंशन आने वाला 4, तो ये तो वैसे ही नहीं हो पाएगा, इसमें तो वही 3 है वेक्टर, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये नहीं हो पाएगा क्योंकि दिस कैन नाउ ये दिस इज लीनियरली डिपेंडेंट, ज्यादा वेक्टर आ गए इसमें तो 5 है, 1 2 3 4 5 5 आ गए, तो ये भी नहीं हो पाएगा, इन दोनों को चेक करना पड़ेगा, निकाल लो डिटर्मिनेंट दोनों का डिटर्मिनेंट निकाल लो, 1 1 0 0 0 1, कोफिशियंट लिख रहा हूं मैं जिसको नहीं समझ आ रहा, 0 0 1 1 1 0 0 1, निकाल लो इसका डिटरमिनेंट क्या आएगा, और अगले का भी मैं लिख देता हूं 1 1 0 0 0 1 0 1 0, इसका लिखो 0 0 1 1 1 2 3 4, और ये तो वैसे ही नहीं, दोनों का डिटरमिनेंट निकाल लो, जिसका नॉन जीरो आएगा लीनियरली इंडिपेंडेंट, पक्का समझ आ रहा है। इसका डायमेंशन 4 क्यों लिखा, क्योंकि दिस इज लेस देन डायमेंशन, तो ये तो वैसे नहीं हो सकता, डायमेंशन की फंस गए थे ना हम, सच बताना,
तो ये इसीलिए मैंने तुम्हें वो पूरी लिस्ट बनवाई है, ठीक है, अब ध्यान में रखना वो पूरी लिस्ट, भूल जाओगे तो दिक्कत आ जाएगी। चलो आगे मैं एक होमवर्क प्रॉब्लम देने वाला हूं, उसको तुम करना। पहले एक छोटा सा क्वेश्चन तुम्हें करा दूं, देख लेना इसमें से कौन सा डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट तो सोल्व करना आता ना, कौन सा है मेरे को ऑप्शन बता देना, ठीक है। हाउ मेनी ऑर्डर्ड बेसिस ऑफ आर थ्री आर आर देयर, पहले इसे नोट रब करते, हाउ मेनी ऑर्डर्ड बेसिस ऑफ ordered basis of R3 over R are there, कितनी basis हो सकती है पहले मेरे को यह बताओ, 1, 2, 3 infinite। अब तो एकदम ही बता दें भैया कितनी हो सकती है infinite, अभी अभी बताई थी कितनी basis exist करती है, infinitely many bases exist करती हैं, बताया था ना, पक्की बात है, अभी अभी बताया था मैंने, अरे खुद ही सोच के देखो, स्टैंडर्ड बेसिस तो अभी मैंने ये लिखवाई थी P3 R की, स्टैंडर्ड बेसिस अभी मैंने क्या लिखवाई थी तुम्हें, स्टैंडर्ड बेसिस मैंने लिखवाई थी 1, 2, इसकी स्टैंडर्ड बेसिस लिखवाई थी 1xx2, सबसे सिंप्लीफाई वाली डेफिनेशन ये होती है हमारे पास, समझ पा रहे, सबसे सिंपल वाली होती, अबे इनमें से भी तो एक आंसर आएगा, वो भी तो इसी की बेसिस बनाएगी, तो एक और बेसिस आ गए, ऐसी और कितनी बना पाएंगे, जितने भी तुम ले रहे हो जिनका डिटरमिनेंट क्या आएगा, नॉन जीरो आ जाएंगे बेसिस, कितने होंगे ऐसे जिनका डिटरमिनेंट नॉन जीरो आएगा, इन्फिनेटली मैनी, तो इन्फिनेटली मैनी एग्जिस्ट करेंगे। लो बन तो गया, एक क्वेश्चन अब तुम्हारे लिए छोड़ के जा रहे हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वेक्टर्स, शाबाश लिखो एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है आज का, लिख लो अच्छे से, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वेक्टर्स, फाइंड दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ वेक्टर्स, फाइंड दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ वेक्टर्स, कमेंट बॉक्स में बताना है इसका आंसर, 3 + 4 + 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5x² + 6x³ बिलोंग्स टू P3R, फोर डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डर्ड बेसिस ऑफ, ऑर्डर्ड बेसिस मैं तुम्हें बताऊंगा कौन सी होगी, ऑर्डर्ड बेसिस ऑफ P3R एज, मैं तुम्हें दे रहा हूं 1 + 2x, 1 + x, 3 + x² 4 + 5x + x² तो इसे तुम्हें ट्राई करना है और दैट इज इट, एक बार ट्राई करना क्या आ रहे हैं यहां पे, एबीसीडी की सिंपल वैल्यू निकालने और कुछ भी नहीं। जब मैं नेक्स्ट क्लास में आऊंगा तो सबसे पहले मैं ये वाला क्वेश्चन उठाऊंगा और इसको करवाऊंगा, दिक्कत लेने वाली नहीं बात है, और छुड़वाता नहीं हूं मैं क्वेश्चन, डोंट वरी। तो अगली वीडियो जैसी आएगी उसका बिल्कुल बिगिनिंग में क्वेश्चन का आंसर यही देने वाला हूं। आई होप कि चीजें समझ आई होंगी और अच्छे से दिमाग में भी घुसी होंगी चीजें, सो आई होप कि सारी चीजें समझ आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें, मेहनत करते रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।